हाय गाइस, आज मैं आपसे यहाँ पर दो चीज़ें कहने के लिए आई हूँ। पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोग सब अच्छे से रहें और आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी जाए, लेकिन आप सबको अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखना है। और सेकंड चीज़ ये कि यहाँ हमारे सीईओ और यी की जो स्टोरी है, मैं इसे दो एपिसोड्स में कंप्लीट कर दूंगी पूरी। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ कि इसमें यी और सीईओ का एक और एक बच्चा आने वाला है, और अभी इनके बीच की चुलबुली जो चीज़ें हैं वो भी होने वाली हैं। तो आप प्लीज़ इन दो एपिसोड्स को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का एपिसोड और इसके बाद वाला एपिसोड, इसमें मैं ये कहानी ख़त्म करने वाली हूँ। उसके बाद मैं इसका कोई भी चैप्टर इस स्टोरी से रिलेटेड नहीं बनाऊँगी। साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ओवरऑल ये वाली स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू। हमारी कहानी की शुरुआत होती है, और जो मीटिंग थी उनके क्रू की वो हो रही होती है। यी और लिंग वाई जो है एक साथ बैठे होते हैं, और यी जो है अपना ड्रिंक का ग्लास उठाता है, और तभी उसे याद आता है कि कैसे सीईओ ने उसे गिफ्ट दिया था, जो कि उन सीईओ और रूरू ने साथ में बनाया था, और साथ में ये भी कहा था कि मैं तुम्हें सक्सेसफुल कैरियर जो है विश कर रहा हूँ, और तुम गैदरिंग के दौरान में ज़्यादा ड्रिंक मत करना, एंड जब तुम्हारा सब कुछ काम हो जाए तो मुझे बताना, तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। यही सारी बातें यी के दिमाग में चल रही होती हैं, और यी काफ़ी ब्लश भी कर रहा होता है। तभी रैन रैन बोलता है, ऐसा लगता है किसी का मूड आज बहुत ही अच्छा है, क्या कुछ ऐसा हुआ है, मुझे देखने दो। फिर तभी यी बोलता है, गुड मूड, कौन सा गुड मूड, ऐसा कुछ नहीं है। तभी लिंगवाई बोलती है कि रैन रैन की बातों पे ध्यान मत दो, वो शायद तुमसे थोड़ा जेलस हो रहा होगा। और तभी यी जो है रैन रैन की तरफ देखता है, और लिंगवाई बोलती है कि तुम्हारे और जिन याओ के बीच में क्या चल रहा है, मतलब कैसा चल रहा है। तभी रैन रैन पूछने लगता है, हाँ हाँ बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है करके। और यी जो ड्रिंक कर रहा होता है, उसके मुंह से ड्रिंक बाहर निकल जाता है और बोलता है, कैसा रिलेशनशिप और कैसी कोई भी चीज़, मैंने तो सिर्फ अभी हम लोग तो जो हैं कुछ खास नहीं कर रहे हैं। तभी रैन रैन बोलता है कि अरे हमें भी बताओ, हमसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी मज़े करने दो, तो चलो जल्दी जल्दी बताओ। तभी लिंगवाई बोलती है, अरे थोड़ा धीरे बोलो, सब लोग हम ही को देख रहे हैं। तो रैन रैन जो है इधर उधर देखता है और अपने मन में सोचता है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ कि मैं ये भूल ही गया कि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे यहाँ पर थोड़ा सभ्यता से बिहेव करना है। और तभी वो थोड़ा सा नीचे झुकता है और इधर उधर देखता है, और अपने मन से मैं सोचता है कि अरे भाई कोई तो मुझे बता दे। और यी को बोलता है, चलो अब बताओ भी, मैं तुम्हें कुछ एडवाइस भी दे सकता हूँ। तभी यी सोचता है कि अरे ये सब भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तुम जो है सिर्फ अपना फूड को इंजॉय करो, और तुम अभी यहाँ नहीं कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि तुम्हें भूख लगी है करके। तभी दिखाते हैं कि एक लड़की टिक टॉक हाई हील पहन के आती है और बोलती है, यी मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया है। अब यी की नज़र वापस तिरछी करके वो उस लड़की को देखता है, और ये लड़की जो है ये बोलती है कि मैं तो तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन तुम यहाँ बैठे हो। और तभी जो है वो सुन रहा होता है और सोचता है कि मेरी मेरी जो सीट है वो यहाँ पर है, और बहुत ही क्लियर व्यू है। और तभी वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या मेरे पे क्लोज आई रखने के लिए आई हो। तभी लड़की वो ऐसे दिखाती है कि उसने लिंगवाई और रैन रैन को नहीं देखा, और बोलती है, अरे तुम लोग भी यहाँ पर हो, यहाँ पर ही के साथ बैठे हुए हो, और उनको हेलो बोलती है, और बोलती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बिजी थी यी के साथ बात करने में, तो मैंने आप लोगों को नोटिस नहीं किया। तभी रैन रैन सोचता है कि भाई ये पागल लड़की कौन है, और यहाँ पर हमें अपना पैथेटिक स्किल्स एक्टिंग का दिखाने आई है क्या। और तभी ये लड़की हंस के बोलती है कि अरे यी क्या हुआ, क्या बात है, मैंने देखा कि तुम थोड़े से नर्वस से दिख रहे थे स्टेज पे, पर ये अच्छी बात है कि तुम लकी हो कि तुम्हें कवर अप करने के लिए
हमारी लिंग भाई और रैन रैन है जिन्होंने तुम्हारा बहुत ही केयर किया। अब ये लड़की ना बहुत दिखावा कर रही है क्योंकि इसको तो पिगी बैक करना है ही कि फेमस होने पे, मतलब पॉपुलरिटी गेन करनी है इसको, तभी ये लड़की फिर से बोलती है तुम्हें वो टाइम याद है करके। तो ये बहुत चिढ़ जाता है और बोलता है नहीं मुझे कुछ याद व्याद नहीं है और तुम क्या यहाँ पर कर रही हो करके। तो लड़की बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो और क्या तुम्हें वरी हो रही है कि मैं तुम्हारा एम्बेरेसिंग पास्ट लोगों के सामने बता दूंगी करके, लेकिन तुम चिंता मत करो ये मैं तुम्हारा सीक्रेट अपने पास ही रखूंगी। अब क्या होता है रैन रैन यी और लिंग वाई ये सारी फालतू की बातें सुन के ना सिर्फ अपना पेशेंस जो है कंट्रोल में करके बैठे होते हैं। और तभी ये लड़की बोलती है कि लिंग वाई रैन रैन थैंक यू तुम लोगों ने यी को इस दौरान में देखा करके, उसकी मतलब देखभाल करके देखभाल की। तभी ना लिंगवाई को बहुत ही गुस्सा आता है, वो पूछती है भाई तुम कौन हो और अपने बारे में क्या ही सोचती हो और तुम मुझे क्यों थैंक यू बोलोगी। और अपने मन में सोचती है कि ये तो मेरा कज़न है तो ऑब्वियसली बात है ना मैं अपने कज़न को देखूंगी करके, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तीनों लोग चुप रहते हैं और तभी ये लड़की अपने उसमें ही होती है एकदम एटीट्यूड में और बोलती है ठीक है मैं आप लोगों को जो ड्रिंक है उसका टोस्ट करती हूँ कि आप लोग हमारे फ्रेंड्स बने करके। और तभी रैन रैन सोचता है कि कितनी शेमलेस लड़की है और इसको तो कोई लेसन सिखाने की ज़रूरत है। तभी रैन रैन उठ के कुछ बोलने ही वाला होता है कि ये जो है रैन रैन का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम बैठ जाओ करके। और तभी ये बोलता है कि चलो क्यों ना हम दोनों प्राइवेट में बात करें, आज फाइनली बात कर ही लेते हैं। तो लड़की बोलती है कि क्यों क्या तुम्हें इतना मिस्टीरियस बिहेव करने की क्या ज़रूरत है और मुझे तो अभी भी तुम लोगों को टोस्ट करना है करके, मतलब ड्रिंक टोस्ट करना चाहती है। और तभी बोलती है क्या हम लोग यहाँ पर नहीं बात कर सकते हैं। तो ये पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यहाँ बात करनी है, और फिर ऐसा करके बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर भी बात कर सकता हूँ। तो ये लड़की एकदम से चौंक जाती है क्योंकि इसको भी पता है कि कुछ अच्छा आउटकम आने नहीं वाला है। और तभी ये बोलता है कि तुम ना अपना प्रिटेंड करना बंद करो, हम लोग क्लोज कभी से नहीं थे और मेरे पास्ट के बारे में भी बात करना बंद करो, तुम मुझे बहुत ही बॉदर कर रही हो करके। तो लड़की थोड़ा सा चिढ़ सी जाती है और बोलती है अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो और हम लोग तो पहले बहुत ही क्लोज थे, तुम भूल गए क्या कि हम ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थे और तुम्हें कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे ओल्ड ब्रदर की तरह हो तो तुम ऐसी चीज़ें अब कैसे कह सकते हो। और मैं जानती हूँ कि तुम अब पॉपुलर हो गए हो, बहुत बड़ी कंपनी में आ गए हो, तुम्हें बहुत सारे रोल्स मिल रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए हैप्पी हूँ करके। और तुम्हें पता है कि मेरा कितना हार्ड टाइम था तुमसे बात करने के, मुझे कितना करेज जुटाना पड़ा करके। ये दोनों अपनी बात कर रहे होते हैं लेकिन आसपास के लोग सोच रहे होते हैं कि इन क्या चल रहा है, कौन है ये लड़की। और तभी ये लड़की ये को बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। और तभी कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये एक कंपनी में पहले काम करते थे और इसने कुछ थोड़ा बहुत अपना नाम जो है लड़की ने वेब सीरीज़ में कमाया है। और तभी कोई बोलता है अरे हाँ मुझे अब याद आया करके, लेकिन ये दोनों अभी भी जो हैं बात कर रहे हैं, खुसफुस कर रहे हैं। तभी ये होटल की बात करता है क्योंकि होटल में कुछ तो ये लड़की ने गलत काम किया था। और तभी ये बोलता है कि मैं कभी भी उस बात को इस टाइप की प्लेस में लेके नहीं आना चाहता हूँ, बट मैंने तुम्हें वहाँ पर एक बार हेल्प किया था और अब तुम मेरे पे इस तरह चढ़ना बंद करो और मेरा पेशेंस जो है उसका टेस्ट मत लो और यहाँ से जाओ। तो ये लड़की ना गुस्सा हो जाती है वो होटल वाली बात याद करके, वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की करके, और क्या तुम ऐसा बताना चाहते हो कि कभी भी तुमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है करके, क्या तुम बहुत ही ज़्यादा दूध के धुले हुए हो, आखिरकार तुम तो ऑर्डनरी आदमी हो और तो तुमने कैसे मैनेज किया मेरे को सरप्रेस करने के लिए। तो तुम भी कभी ना कभी किसी के बिस्तर पे तो चढ़े ही होगे करके, क्योंकि ये लड़की के दिमाग में सिर्फ यही थॉट्स हैं कि
यदि मैं किसी के बिस्तर में चढ़ूंगी तो मुझे रोल मिलेगा, तो वैसे ही की जो पॉपुलैरिटी है वो उसे ऐसे ही मिली होगी कि ये भी किसी के बिस्तर पे चढ़ के या कोई फ़ायदा लेके इसने अपनी मतलब इतना सब कुछ पावर गेन किया होगा। तभी लिंगवाई आती है और इस लड़की के मुंह के ऊपर जो ड्रिंक है वो उंडेल देती है और बोलती है, अरे मेरे से गलती से ये मेरा हाथ स्लिप हो गया और तुम पे ये ड्रिंक गिर गया। तो और फिर हंसते हुए बोलती है सॉरी, और फिर बोलती है लिंगवाई कि ऑर्डनरी तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसे ऑर्डनरी आदमी बुला रही हो। और तभी वो बोलती है कि ये को किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है करके। और तभी बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारी ओपिनियन में ऐसा है कि जो कोई बंदा इंडस्ट्री में होता है उसको कुछ डर्टी ट्रिक्स खेलनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। और यदि तुम्हें मेरी लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, यदि तुम्हें मेरी एबिलिटी पे कोई शक है तो तुम जाके कहीं से भी पूछ लो और अपने आप से भी पूछ लो कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा। और तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम जाओ डायरेक्टर गाओ से भी पूछ लो कि उन्होंने मुझे क्यों पिक किया है करके। और यदि यहाँ तुम खड़े रह के सिर्फ मेरे पे इल्ज़ाम ही लगाना चाहती हो तो यहाँ से तुम जा सकती हो, और यदि फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे को प्रूफ दिखा वरना यहाँ से चली जाओ। तो ये लड़की ना थोड़ा और गुस्से में हो जाती है। और तभी लिंगवाई बोलती है कि तुम कह रही थी कि तुम उसको ओल्डर ब्रदर की तरह ट्रीट करती हो, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारे जैसी कोई लड़की ही की बहन भी हो सकती है करके। ऐसे करके लिंगवाई जो है एक्चुअली में उस लड़की को ताने देती है और बोलती है कि लेकिन मैं ही हूँ जो यी की सिस्टर हूँ करके। और तभी इस लड़की को शौक लगता है कि लिंगवाई जो है यी की यंगर सिस्टर है करके। और तभी लिंगवाई बोलती है, अरे जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारा जो मेकअप है वो भी सब खराब सा हो गया, जाके अपने आप को क्लीन अप करो। तभी दूसरे लोग बोलते हैं कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं आ रहा है, वो लोग बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं, क्या वो लोग किसी चीज़ के ऊपर झगड़ रहे हैं। तभी ये लड़की सोचती है कि ये लड़की जो लिंगवाई है ये बहुत ही अनॉइंग है और इतना क्लोज क्यों है करके। तो दूसरे लोग सोचते हैं कि लगता है इस लड़की को पता नहीं है कि लिंगवाई के कभी भी कोई भी पास जब आता है तो लिंगवाई को अच्छा नहीं लगता, और लिंगवाई जो है बिल्कुल भी रुकती नहीं है और एकदम से गुस्सा करने लगती है। और लिंगवाई को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग करके और दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं और उनके पीछे षड्यंत्र रचते हैं। तो ये लड़की वापस चली जाती है। अब दिखाते हैं कि टेबल पे एक ज़ोरदार हाथ मारती है ये लड़की और बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो यी है वो क्या वाकई में लिंगवाई का भाई है क्या? यदि ऐसा होता तो वो ऑरेंज इंडस्ट्री में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा था, और अब वो लेकिन इस बॉर्न स्टार इंडस्ट्री में है करके। और यी जो है बहुत ज़्यादा मेरे नर्व्स पे आ रहा है, मतलब घी के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और मैं जो हूँ अपने चलो डर्टी ट्रिक्स इसके साथ में स्टॉप कर दूँगी। अब मैं कोई ट्रिक विक खेलूँगी नहीं और ना मैं अपनी एक्टिंग स्किल से ही प्रूव करूँगी कि बॉर्न स्टार एजेंसी जो है उन्होंने मिस्टेक किया है मुझे चूज़ ना करके, और उनको लिंगवाई और यी को चूज़ नहीं करना चाहिए था। अब हमारा दिखाते हैं दूसरी तरफ, हमारा सीईओ जो है कार से निकलता है, इधर उधर देखता है और उसको दिखाई देता है उसका कज़न जो हाथ में वो लेके आया होता है फ्लावर बुके एंड गिफ्ट। अब कज़न भी इसको देखता है और दोनों सोचते हैं एक दूसरे के लिए अपने मन में कि ये क्या यहाँ कर रहा है और ये क्या यहाँ कर रहा है। तभी देखते हैं कि यी और लिंगवाई पार्टी ख़त्म होती है तो अंदर से निकल रहे होते हैं। और तभी लिंगवाई पूछती है कि तुम ऑफिशियली घर पे कब मिलने आओगे मुझे, क्योंकि अब यी को पता चल गया है कि ही फैमिली जो है उसके रिश्तेदार हैं। और तभी ये आदमी सुन लेता है हमारे सीईओ का कज़न कि वो बोल रही है कि तुम घर कब आओगे ऑफिशियली, और सोचता है कि आखिरकार ये आदमी कौन है करके। लिंगवाई और यी अपना अपना आगे चल रहे होते हैं और यी बोलता है कि विजिट करने, और तभी वो बोलता है कि कैसा रहेगा कि हम मूवी ख़त्म कर लें और उसके बाद मैं उनको विजिट करने आता हूँ करके। तो लिंगवाई हैप्पी हो जाती है और बोलती है ठीक है,
ग्रैंडपा और ग्रैनी जो है वो तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे और वो तुम्हें देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक भी हैं करके। तभी दिखाते हैं कि हमारे सीईओ का कज़न हाथ में गिफ्ट और बुके लेके आ रहा होता है। अब दोनों यी और ये जो आदमी एक दूसरे को देखते हैं, अब सीईओ भी है और यी जो है अब अपने सीईओ की तरफ देखता है और थोड़ा सा ब्लश करता है, और लिंगवाई फिर उसको होश में लेके आती है। और ये जो है बोलता है ठीक है मेरा दोस्त आ गया मुझे पिक करने के लिए तो मैं चलता हूँ करके। तो लिंगवाई बोलती है श्योर, और तभी ना सीईओ का कज़न आता है और लिंगवाई को बोलता है गुड इवनिंग लिंगवाई, और मैं यहाँ पर तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए आया हूँ करके। और वो ना ये अपना बुके उसको दे रहा होता है और बोलता है कि मेरी कार जो है इधर ही है, और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी विजिट कर लेता हूँ। लिंगवाई को सुन के ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये आदमी उससे चेप ही हो रहा है, और फिर बोलता है कि लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो हो सकता है वो लोग बिस्तर में जल्दी चले गए, मतलब सोने चले गए हों करके। तभी लिंगवाई जो है यी का हाथ पकड़ती है और उसको खींच के ले जाने लगती है, और तभी बोलती है उस आदमी से बात मत करो, मैं उस आदमी को जानती नहीं हूँ करके। तो ये हमारे सीईओ का जो कज़न है वो बोलता है वेट, और ना हाथ पकड़ लेता है यी का। और तभी क्या होता है जैसे यी का हाथ वो पकड़ता है सीईओ की नज़र एकदम शार्प हो जाती है, वो तुरंत आगे बढ़ने की फिराक में होता है और बढ़ जाता है। लेकिन ये आदमी जो सीईओ का कज़न है वो यी से पूछता है कि भाई तुम कौन हो, तो ही बोलता है मैं कौन हूँ। और मैं ये ही अपने मन में सोचता है कि यही सवाल तो मैं इस आदमी से करने वाला था। और तभी सीईओ का हाथ आता है और सीईओ अपने कज़न को नाम लेके पुकारता है कि जिन हाओ, और उसका हाथ ही के हाथ से छुड़ा देता है और बोलता है अपना हाथ दूर रखो। अब जो जिन हाओ है यानी हमारे सीईओ का कज़न, वो बोलता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? और तभी लिंगवाई बोलती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है यहाँ आना बंद करो, और मैं जो हूँ मैं अपने कैरियर पे फोकस करना चाहती हूँ, मैं ये अननेसेसरी की चीज़ें नहीं चाहती हूँ। और तभी ये लड़का बोलता है क्या यानी ये क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है क्या? लेकिन तुम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज दिखते हो, क्या वो एक एक्टर है क्या? और मैंने कभी नहीं देखा है इसको लेके, और मैंने इसका कभी काम भी नहीं देखा है। तो लिंगवाई और गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम्हें क्या लेना है इस सब चीज़ों से? तो ये जिन हाओ बोलता है कि वेल मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही देखना चाह रहा था करके, तुम्हें पता ही है कि आजकल इंडस्ट्री कैसी है और किस टाइप के लोग होते हैं, और तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, लोगों का गलत मोटिव भी होता है। तो यही देखता है और बोलता है क्या ये अपने मन में सोचता है कि क्या ये आदमी मेरे बारे में ऐसी सब बातें बोल रहा है कि मेरा कुछ गलत मोटिव है लिंगवाई को लेके, और इस आदमी को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और ये जो है बिल्कुल ट्रैश टॉक कर रहा है, और उसके अलावा इस आदमी के जो मोटिव्स हैं वो ख़राब लग रहे हैं, तभी तो ये लिंगवाई के पास ऐसे अप्रोच कर रहा है करके। तभी हमारा सीईओ बोलता है कि यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है अच्छा कहने के लिए तो अपना मुंह बंद रखो। तो ये देखता है कि कैसे सीईओ उसको प्रोटेक्ट कर रहा है करके। और तभी ये जिन हाओ बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहा था, और तुम क्यों मेरे और लिंगवाई के बीच में बोल रहे हो? और अपने मन में सोचता है कि ये सीईओ मतलब जिन याओ जो है वो कब से दूसरों के बिजनेस में अपनी टांग अड़ाने लग। तभी लिंगवाई बोलती है कि वो बहुत थक गई है और वो सोने के लिए जा रही है, और बोलती है कि तुम्हें भी सोने के लिए जाना चाहिए। तो सीईओ का कज़न बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लिंगवे डायरेक्टली नहीं कहती है और बोलती है कल मुझे न्यूज़ में फ्रंट पेज पे नहीं आना है करके, तो तुम जा सकते हो। अब ये आदमी देखता है कि वहाँ पर बॉडीगार्ड्स खड़े हैं और सीईओ यी को लेता है और यी के साथ जाने लगता है। तभी सीईओ का कज़न सोचता है कि ये आदमी कौन था और इसका रिलेशनशिप लिंगवाई के साथ क्या था, क्या वो वाकई में उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलाने ले जा रही है, और ये लोग कैसे जो जिन याओ है वो भी कैसे यी को जानता है करके, और उन लोगों का कनेक्शन क्या हो सकता है। और गुस्से में आके जो उसके हाथ में फूलों का बुके होता है उसको वो डस्टबिन में फेंक देता है। अब कार चलती है और
अंदर सीईओ और यही बात कर रहे होते हैं। सीईओ बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे हो करके, यही बोलता है कि मैं ठीक हूँ और बस मैं टायर्ड से ज़्यादा नर्वस था और ये मेरा पहली बार था कि मैं इतने मेजर इवेंट में आया था और मुझे सारी चीज़ें अपने अंडर में रखनी थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पर प्रेस वाले लोग पूछ रहे थे और इस बार ये सारी चीज़ें मुझे डिफरेंट सी फील हो रही थी। और तभी सीईओ बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इन सब के यूज़ टू हो जाओगे, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे थे स्टेज पे और तुम बिल्कुल भी नर्वस भी नहीं लग रहे थे। तो यही बोलता है, क्या सच में मैं नर्वस नहीं लग रहा था, क्या तुम सच में सच बोल रहे हो? तो सीईओ उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ मैं सिंपली तुम्हें सच बता रहा हूँ और तुम लोगों का जो जोक था लिंगवाई के साथ वो भी बहुत नेचुरल फील हो रहा था। तो ही बहुत खुश होता है, बोलता है रियली करके। और तभी वो उसको याद आता है कि कैसे लिंगवाई और वो बात कर रहे थे कि गैराज में वो लिंगवाई के बहुत ही क्लोज था, तो सीईओ ने उसको देखा। तो फिर ये मन में सोचता है, क्या वो इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या कि मैं लिंगवाई के इतने क्लोज था करके, और ये थोड़ा अजीब सा है। और सीईओ ने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन अब उसे परवाह क्यों नहीं है कि मैं किसी लड़की के साथ में था? अब हमारे ये को पता नहीं है कि सीईओ पहले से ही जानता है कि लिंगवाई जो है वो उसकी सिस्टर है करके, इसीलिए ये ऐसा सोचता है। और तभी वो बोलता है, अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि शायद ये पूछेगा कि तुम उस लड़की के इतने आसपास क्यों थे, लेकिन इसने नहीं पूछा। तो ये बहुत अजीब नज़रों से सीईओ को देख रहा था। तो सीईओ पूछता है कि क्या हुआ? तभी ये पूछता है कि क्या तुम उस आदमी को जानते थे? तो सीईओ बताता है कि वो मेरे अंकल का बड़ा बेटा है और मुझे यकीन है कि मैंने उसके बारे में तुम्हारे सामने कभी कोई बात की होगी। और मेरा जो कज़न है वो लिंगवाई के आगे पीछे घूम रहा है क्योंकि मेरे फैमिली वाले जो है वो सोचते हैं कि लिंगवाई की शादी उससे कराई जाए। तो ये को याद आता है, बोलता है अच्छा, ये वही लड़का है, और तो लिंगवाई को क्या करना चाहिए? लिंगवाई को तो वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये आदमी लिंगवाई के आगे पीछे घूमता रहता है। और तो सीईओ बोलता है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लिंगवाई को पता है कि उसे क्या करना है, और वैसे भी जिनाओ जो है वो कुछ कर नहीं सकता है, यदि लिंगवाई उसे रेफ्यूज़ करती रहेगी तो वो क्या कर लेगा? तो ये बोलता है, हाँ ये बात भी सही है। और तभी वो बोलता है कि वैसे भी उस लड़के को देख के लगता नहीं है कि वो डिसेंट आदमी है करके, लिंगवाई जो है वो सेलिब्रिटी है और यदि ये इसके आगे पीछे ऐसे घूमेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। और तभी सीईओ बताता है कि मेरे अंकल जो है वो अब्रॉड गए हुए हैं और उनकी गैर हाजिरी में वो ये जो मेरा कज़न है वो ही फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकता है, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं उन लोगों के ऊपर नज़र रखूँगा। तो ही सीईओ को थैंक्स बोलता है। अब क्या कहते हैं, यहाँ पर ये सोच रहा होता है खिड़की के बाहर देख के कि अब रिलेशनशिप जो है हम लोगों का इस पॉइंट पे आ गया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी के साथ लव में होते हैं, लव का रिलेशन होता है, तो यूजुअली ये चीज़ें जो है वर्कआउट नहीं करती हैं, लेकिन हमें पेशेंस के साथ डील करना चाहिए। और कैसे दो लोग एक साथ एक दूसरे के रह सकते हैं, और यदि एक दूसरे को वो पसंद नहीं करेंगे तो एक दूसरे के साथ रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लाल बत्ती होती है, सीईओ रुकता है और ये बाहर देख रहा होता है। तभी सीईओ बोलता है, तो हमारे बारे में तुम्हारा क्या सोचना है और क्या तुम्हें लगता है हमारे बीच में थिंग्स जो हैं वर्कआउट करेंगी? तो ये एकदम से ब्लश करने लगता है और बोलता है कि तुम सडनली ऐसे सब्जेक्ट कैसे बदल सकते हो, हम तो लिंगवाई के बारे में बात कर रहे थे लेकिन अब तुम हमारे बारे में बात करते हो। तभी रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो जाती है और वो बोलता है जल्दी करो और गाड़ी चलाओ, लेकिन सीईओ यी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि हमारे बीच में चीज़ें वर्कआउट करेंगी। मतलब हरी बत्ती होने की वजह से सीईओ गाड़ी को थोड़ा एक्सलरेट करता है, अब क्या होता है यी हिल डुल सा जाता है और सीईओ को ये देख के बड़ा मज़ा आता है। वो बोलता है कि ये कितना क्यूट लग रहा है जब वो नर्वस होता है, और ये अपने मन में सोचता है कि ये आदमी क्यों मेरे पे हंस रहा है, ये सब इसी का फॉल्ट है, इसी की वजह से मैं इतना सिली सा दिख रहा हूँ करके, और डेली ये मुझे कुछ स्ट्रेंज स्ट्रेंज बातें बोलता रहता है।
जिसकी वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ, और मैं अब इसको कैसे रिस्पॉन्ड दूँ करके। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सीईओ जो है धीरे से यी की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसको बहुत ही ब्लश हो रहा होता है और वो यी के एकदम मुंह के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसका सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है करके। लेकिन यी थोड़ा पीछे होता है क्योंकि वो बहुत शाय फील कर रहा होता है और एकदम से खिड़की के बाहर से ही निकल जाता है। और तभी सीईओ देखता है कि हाँ ये क्या हुआ करके, और सीईओ का हाथ बस हवा में ही रह जाता है। और सीईओ हंसता है और बोलता है कि मैं तो सिर्फ उसका बेल्ट जो है निकालने जा रहा था, सीट बेल्ट निकालने जा रहा था, मुझे लगता है ये कुछ अपना ही इमेजिन कर रहा है। और यही सोच रहा होता है कि हे भगवान क्या करने जा रहा था सीईओ मेरे साथ। दूसरी ओर दिखाते हैं कि हमारा सीईओ का कज़न अपनी माँ के पास आता है और बोलता है कि मैं बहुत समय से लिंगवाई को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और आज, लेकिन हमेशा से वो डिनर करने के लिए मेरे से मना करती है। तभी ये लेडी बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है तुम जो उनकी तुम में कोई भी पेशेंस नहीं है, और वो जो लड़की है वो बहुत ही रिच परिवार की है और वो बिगड़ी भी लड़की है और इसके लिए बहुत पेशेंस ज़रूरी है, लेकिन तुम में इसमें कोई भी पेशेंस नहीं है। और वो जो लड़की है वो ही फैमिली की यंग लेडी है और वो एक पॉपुलर सुपरस्टार भी है, और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जो उसको बहुत सारे लोग अप्रोच भी करते होंगे करके, और तुम ऐसे रैकलेसली जो है ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे उसको मत पटाओ जैसे कि तुम दूसरी लड़कियों को पटाते हो, तुम्हें अपनी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। तो ये लड़का बोलता है आंटी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ही अपना बेस्ट दे रहा हूँ, पर इतना पेशेंट तो मैं कभी किसी लड़की के साथ था ही नहीं करके। तभी आंटी को बताता है कि ये जो लिंग वाई है वो मेरे साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव करती है, उसका एटीट्यूड भी बहुत है, लेकिन फिर भी मैं उसको देख के स्माइल करता हूँ, लेकिन इसके बाद भी जो है वो मुझे अवॉइड करती रहती है और उसने मुझे अभी तक एक भी सिंगल चांस नहीं दिया है करके। मैंने आज तक हम लोगों के बीच में कोई भी नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा रूरू स्कूल में क्लास में बैठा हुआ है और टीचर बोलती है कि ऑल राइट बॉयज़ एंड गर्ल्स हम लोग अब ड्राइंग करना चालू करेंगे, तो सब लोग देखने लगते हैं। और तभी क्या होता है, एक कलरफुल जो पेंसिल्स होती हैं क्रेयॉन उसका बॉक्स को खोलते हैं बच्चे, और तभी कोई बच्चा बोलता है कि अरे तुम्हारे पास तो कितने सारे कलर्स हैं और ये कितने कूल दिख रहे हैं, और ये बॉक्स जो है वो रूरू का बॉक्स होता है। तभी दूसरा बच्चा बोलता है कि मेरी मदर ने तो मुझे सिर्फ 12 ही क्रेयॉन कलर दिए हैं और तुम्हारे पास तो 48 और 72 के करीब है, और मैं भी इतने सारे क्रेयॉन कलर्स चाहता हूँ। और दूसरा बोलता है कि मुझे गिन के देखने दो कितने हैं, तो वो लोग गिनते हैं 1 2 3 4 करके। और तभी एक लड़की आती है जो छोटी सी और क्यूट सी है और वो बोलती है कि रूरू तुम्हारे पास कितने सारे क्रेयॉन्स हैं, क्या तुम मुझे एक आध क्रेयॉन लैंड करोगे, यानी बोरो करना मांगती है वो। तो रूरू अपने मन में सोचता है कि क्या करे, कोई उससे उधार मांग रहा है आखिरकार उसका कलर। तभी उसे याद आता है कि यी ने उसे समझाया था कि हमें अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो तभी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। तो रूरू बोलता है ओके, और फटाक से उसे ये बात याद आने के बाद वो उस छोटी सी लड़की को बोलता है कि हाँ ठीक है तुम मेरे कलर्स ले सकती हो लेकिन उन्हें तोड़ना मत। तो लड़की बहुत खुश हो जाती है और बोलती थैंक यू रूरू। तो बाकी के भी बच्चे आते हैं और बोलते हैं क्या रूरू हमको भी एक कलर मिलेगा, क्या हम एक कलर ले सकते हैं, मुझे भी एक कलर चाहिए, मुझे ब्लू वाला कलर चाहिए, मुझे ग्रीन वाला कलर चाहिए। सब लोग उससे एक एक कलर मांगते हैं और रूरू को थैंक यू बोलते हैं, और लोग बोलते हैं क्या हम ये भी ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं। अब तब क्या होता है, एक लड़का सोचता है कि ये तो शो ऑफ कर रहा है और मैं अपने फादर को बोलूँगा कि मेरे लिए भी क्रेयॉन्स के कलर लाएं और इससे भी अच्छे लाएं। तो दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ मैं भी ऐसे ही बोलूँगा, अपनी मदर को जाके बोलूँगा
कि मुझे भी ऐसे ही क्रेयॉन्स के कलर का सेट दे। जब मैं घर जाऊंगा तो मैं उनसे ये सारी बातें करूंगा। लेकिन इन सारी बातों का फ़र्क ना तो रूरू पे पड़ता है और ना ही इसका फ़र्क वो छोटी सी बच्ची पे पड़ रहा होता है। वो दोनों अपने ही ड्राइंग में बिज़ी होते हैं। अब टीचर्स बोलते हैं कि रूरू जो है बहुत ही गुड बॉय है और उसे ये भी पता है कि उसे दूसरे किड्स के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो इसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो दूसरी टीचर बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी रूरू के माता पिता से मिली हूँ। तो दूसरी टीचर जो नीले बाल वाली है वो बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो, रूरू को हमेशा ड्राइवर ही ड्रॉप करने आता है या नैनी आती है या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं और वो हमारी क्लास में नया है, कुछ ही दिन पहले आया है। तो जो हमारी ब्राउन हेयर वाली टीचर बोलती है, हाँ ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है लास्ट टाइम वही पेरेंट्स मीटिंग में भी आए थे और हमें लगता है कि हमें उसके पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहिए। जब वो नेक्स्ट ग्रेड में जाएगा तब उसके पेरेंट्स को इनवाइट करेंगे। अब क्या होता है, ये जो छोटी सी क्यूट सी बच्ची है जिसकी दो चोटियाँ ऊपर हैं, वो रूरू को बोलती है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि वो आज जब मुझे पिक करने आएंगी स्कूल से तो वो स्ट्रॉबेरी केक लेके आएंगी। तो हम क्योंकि अच्छे दोस्त हैं तो मैं अपना स्ट्रॉबेरी केक जो है तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। अब कैसे ना खाने की बात सुन के रूरू एकदम हैप्पी सा हो जाता है। तो उसकी आंखों में एक चमक सी आती है और वो बोलता है, अच्छा ठीक है थैंक यू करके। लेकिन तभी लड़की पूछती है, लेकिन रूरू तुम्हारी जो मम्मी और डैडी हैं क्या वो वाकई में बहुत बिजी हैं? मैंने उन्हें कभी तुमको यहाँ से स्कूल से पिक करते हुए नहीं देखा है। तो रूरू अपने माइंड में सोचता है और बोलता है कि हाँ ये जो है वो उसको काम करना होता है और फैंग फैंग जो है यानी हमारे सीईओ उसको भी काम करना होता है। तो ये छोटी बच्ची को समझ में नहीं आता है कि ये और फैंग फैंग कौन है। तो वो पूछती है, क्या ये लोग तुम्हारे मम्मी डैडी हैं? क्या इनका नाम तुम्हारे मम्मी डैडी का नाम ये और फैंग फैंग है क्या? तो रूरू बोलता है नहीं। तो लड़की पूछती है, तो फिर तुम्हारे मम्मी डैडी कौन है करके? और सभी बच्चों के पास एक एक मॉमी और एक डैडी होता है, तो तुम्हारे मॉमी डैडी कहाँ हैं? तो रूरू बहुत सोच में पड़ जाता है और सोचता है, क्या रूरू के पास मम्मी और पापा हैं क्या? अब इसकी एक एक्स्ट्रा स्टोरी भी है जो छोटी सी है, मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। तो हमारे सीईओ और यी और रूरू, और तभी एक बोलता है कि अब रूरू को समझाना है ना कि कैसे उसके पास मम्मी डैडी हैं कि नहीं। तो ये बोलते हैं कि जो तुम हो वो गिफ्ट हो, वो भी फ़ोन की कंपनी से, और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा बिल जो है मतलब तुम्हारे बिल फ़ोन की कंपनी को पे किया था। और ये जो दूसरा आदमी है वो समझाता है, जिसका हेड डकी के जैसा है, और कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मेंबरशिप को यूज़ कर लिया, सारे पॉइंट्स यूज़ कर लिए तुम्हें स्टोर से लेने के लिए। तो बेसिकली ये रूरू को ऐसा समझा रहे हैं कि रूरू जो है उसे फ़ोन की कंपनी से ख़रीदा गया है और मेंबरशिप पॉइंट्स से उसको ख़रीदा गया है। अब रूरू अपने घर में आता है और बताता है कि एक्सिया करके जो लड़की है जिसके बाल में दो छोटी छोटी चोटियाँ थी, उसने कहा कि हर बच्चे के मॉमी डैडी होते हैं। तो रूरू के पास सिर्फ यी और फैंग फैंग और हैंडसम एंड ब्यूटी ही क्यों है करके, मतलब रूरू के पास यी है, सीईओ है और यी के माता पिता हैं, लेकिन क्यों नहीं रूरू के पास उसके पेरेंट्स हैं? तो यी अपने मन में सोचता है, ओह नो ये कैसा सवाल पूछ रहा है करके। सी और यी रूरू के साथ आलकी पालकी मार के उसके टॉय रूम में बैठे होते हैं। तो सीईओ यी की तरफ आंखें करके देखता है और इशारों में बोलता है कि फाइनली ये क्वेश्चन आज रूरू ने पूछ ही लिया। तो यी बोलता है कि ऐसा इसलिए है कि अब उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। तो वो बोलता है, तो रूरू किसको प्रेफर करेगा, मॉमी और डैडी को प्रेफर करेगा या यी और फैंग फैंग को प्रेफर करेगा?
इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर रहेगा करके, तो रूरू चूंकि यी से बहुत प्यार करता है तो बोलता है कि डेफिनेटली यी जो है वो बेस्ट है। तो यी बोलता है कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि यी एंड फैंग फैन बेस्ट हैं तो तुम्हें मम्मी पापा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रूरू बोलता है कि रूरू को भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मैं लेकिन फिर मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आखिरकार मेरे पास मम्मी पापा क्यों नहीं है करके। और एक्सिया जो है उसने कहा था कि हर बच्चे के पास मम्मी और पापा होते हैं, लेकिन मेरे पास मम्मी पापा नहीं है। और तो ये अपने मन में सोचता है कि इतना सब कुछ समझाने के बाद भी बात वहीं आके सर्कल में रुक गई है कि रूरू को जानना है कि उसके पास माता और पिता क्यों नहीं है। और ये जो है अपनी आंखें छोटी करता है और सीईओ को साइड की नज़र से देखता है और इशारों में बोलता है कि बेटर है कि तुम कोई आंसर सोचो इस क्वेश्चन का और रूरू को समझाओ। और तभी सीईओ भी बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि हम उसे बताते कि हम दोनों उसके डैड्स हैं करके। तो ही बोलता है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यदि हम बोलेंगे कि हम दोनों उसके पापा हैं तो हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हम दोनों उसके पापा कैसे हैं करके। तो सीईओ बोलता है तो ठीक है, एक काम करो कि उसको बता दो कि मैं उसका डैडी हूँ और तुम जो हो वो मेरे लवर हो। जैसे ही ये बात सुनता है ये वो फटाक से बोलने लगता है कि तुम वहीं रुक जाओ, और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सीईओ खुश हो रहा होता है और ये थोड़ा सा गुस्से में हो रहा होता है, लेकिन दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं और रूरू इन दोनों को देख रहा होता है। तभी सीईओ डिसाइड करता है कि कुछ तो रूरू को समझाना पड़ेगा, तो बोलता है कि ऐसा इसलिए है कि क्योंकि हर फैमिली जो होती है वो सेम नहीं होती, हमारी जो फैमिली है वो स्पेशल है। तो रूरू एकदम से आके बड़ी बड़ी करता और बोलता है क्या सच में ऐसा है करके। तो यही बोलता है हाँ ये सच है, हमारी जो फैमिली है वो स्पेशल है और जो दूसरी फैमिलीज होती हैं वो बहुत ऑर्डनरी होती हैं, लेकिन जो हमारी फैमिली है वो डिफरेंट है और तुम जो हो स्पेशल हो। जैसे कि तुम्हारी डकी प्रिंस भी जो है वो स्पेशल है और सारे डक्स के बीच में डकी प्रिंस ही सिर्फ स्पेशल है। और तभी वो स्पेशल है इसीलिए वो दूसरे अदर जो फाइटर्स हैं और ईवल फोर्स है उससे वो लड़ सकता है और वो हमारे वर्ल्ड को भी दूसरी बुरी चीज़ों से बचाता है और वर्ल्ड में पीस क्रिएट करता है। तो रूरू ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि वो भी डकी प्रिंस की तरह है। तो ये बोलता है हाँ तुम डकी प्रिंस की तरह हो। और तभी सीईओ बोलता है कि डकी प्रिंस के जो हैं बहुत सारे सीक्रेट होते हैं और इसके बहुत स्पेशल पावर भी होते हैं जो दूसरे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। जब तक डकी प्रिंस एकदम स्ट्रांग नहीं हो जाता ना तब तक ये बात किसी को भी पता नहीं होती है करके। तो यदि उनको पता चल जाएगा तो ईवल फोर्स आएगी और डकी प्रिंस को नोटिस कर लेगी करके। तो क्या है इसीलिए ऐसा होता है, और हो सकता है कि दूसरों को पता चलेगा तो वो डकी प्रिंस के जो पावर्स हैं वो उससे लेने की कोशिश करेंगे करके। तो रूरू बहुत गंभीर सोच में आ जाता है और बोलता है जो दूसरे लोग हैं यदि उनको मेरे अमेजिंग पावर पता चल जाएंगे तो शायद वो भी मेरे पावर्स लेने की कोशिश करेंगे। तो सी बोलता है कि यदि अगली बार तुमसे कोई बच्चा पूछे तो तुम उनको जस्ट ऐसा बोल देना कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बिजी हैं इसलिए वो तुम्हें पिक करने नहीं आते, और उसके बाद भी हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा सैड फील हो सके पर तुमको हमेशा गुड बॉय की तरह ही बिहेव करना है करके, और तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे दूसरे किड्स होते हैं और तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और हमारी स्पेशल फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए तुम्हें हमेशा वैसे ही प्रिटेंड करना पड़ेगा जैसे दूसरे किड्स प्रिटेंड करते हैं और हमें वर्ल्ड का पीस भी ध्यान में रखना है करके। तो रूरू एकदम मोटिवेट हो जाता है और बोलता है ठीक है, रूरू जो है अब हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा और वर्ल्ड के पीस को भी प्रोटेक्ट करेगा। रूरू जो है किसी ईवल फोर्स को
उसको फाइंड आउट करने नहीं देगा करके। अब ये देखता है कि रूरू सेटिस्फाइड हो गया और हैप्पी भी हो गया है और इसकी जिज्ञासा भी अब ख़त्म हो गई है। तो वो अपने मन में सोचता है कि जो जिनयाओ है वो अच्छे से जानता है कि बच्चों को कैसे बुद्धू बनाना है करके। तब दूसरी तरफ सीन आता है कि जिनयाओ की आंटी का वो बोलती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों, मतलब ये अपनी छोटी बहन से मिलने आई होती है और बोलती है कि तुम मुझे क्यों देखना चाहती थी, मैं काफ़ी बिजी थी और तुमने मुझे इस तरह बुला लिया करके। तो इसकी छोटी बहन बोलती है अपनी बड़ी बहन से कि अरे सिस्टर, क्या है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल कन्वर्सेशन करने के लिए बुलाया है, क्या सिस्टर सिस्टर नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं क्या? और तो ये बड़ी बहन बोलती है तुम मेरी कोई सिस्टर विस्टर नहीं हो और तुम क्या जिनयाओ के साथ में मिलके यहाँ कुछ ट्रैप व्रैप बिछा रही हो, और तुम्हें पता है कि इन डैड जो हैं वो सिक नहीं थे, मतलब इनके ग्रैंडफादर को कैंसर हुआ था और वो अचानक रूरू की वजह से ठीक हुआ था। उस सब का भड़ास अपनी बहन पे निकालती है और तभी इनकी छोटी बहन बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं आपको कैसे आपके ख़िलाफ़ कैसे साजिश कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि, और मुझे ये भी नहीं पता था कि डैड को कोई बीमारी है भी कि नहीं, और इतने सालों में हमने कभी भी नोटिस नहीं किया और जो डैड हैं वो प्रिकॉशंस भी ले रहे थे और उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं करके, तो मुझे कुछ भी इस बारे में पता नहीं है। और तभी ये उनकी बड़ी बहन बोलती कि हाँ जिनयाओ के अलावा किसी को कुछ नहीं पता और कोई भी जो डैड है उनका स्पेशल नहीं है, सिर्फ जिनयाओ ही उनका स्पेशल है। तो उनकी छोटी बहन बोलती है मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि हम आपके साथ कॉफ़ी पीना चाहते थे और इसीलिए बुलाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही टेंस हैं पिछले कुछ दिनों में। तो ये बड़ी बहन बोलती है कि मैं क्यों टेंस होंगी करके, और तभी बताती है कि जो कंपनी है ओवरसीज़ में वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है और तुम यहाँ पर सिर्फ बात के बैठ के सिर्फ बातें कर रही हो और स्माइल कर रही हो, और ये ऑब्वियस है कि जिन याओ की वजह से तुम यहाँ पर बैठी और बेटर फील कर रही हो, और तुम ऐसा कैसे देख सकती हो कि कोई हमारे एल्डर को कुछ हो जाए तब भी तुम यहाँ बैठी रहोगी। और तभी हमारी उसकी छोटी बहन हंसती है बोलती है कि जिनयाओ जो है वो अभी यंग मैन है और उसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति है और वो जो है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है अपने पोजीशन में, और हमारे को हमने हमारा जो टाइम है ऑलरेडी हिट कर लिया, मतलब हमने अपने प्राइम टाइम से बाहर निकल कर हम बूढ़े हो गए हैं और हम यहाँ सिर्फ बैठ के चाय पीने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों बहनों के बीच में थोड़ा बहस हो रही होती है और एक बहन दूसरी बहन के ऊपर थोड़े बहुत आरोप लगाती है और कुछ नहीं। अब ये छोटी बहन जो है चाय पीती है और अपनी चाय नीचे रखती है, तभी बड़ी बहन बोलती है कि जिन हाओ जो है उसने ज़ीरो प्रोग्रेस करी है उस लड़की के साथ यानी लिंगवाई के साथ, और तभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा टेंसी हूँ, मैं क्या करूँ यदि जिन याओ की शादी सक्सेस हो जाती है क्वीन फैमिली की लड़की के साथ तो उसे क्वीन फैमिली का सपोर्ट मिल जाएगा और फिर हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत ही मुसीबत वाली हो जाएगी, और अब मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। और तभी उनकी छोटी बहन बोलती है कि वेल मैंने जिनयाओ से बात की थी और उसने कहा कि वो शादीवादी नहीं करना चाहता है और वो उसके बिजनेस में भी इंटरेस्ट नहीं है और वो उस इंसान से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है। तो ये बड़ी बहन बोलती है कि हाँ लव वव जो होता है वो बहुत ही यूज़लेस होता है, इससे ज़्यादा यूज़लेस चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है, और बताती है कि यदि वो मैरिज नहीं करेगा और मैरिज के से उसको मतलब कोई प्रॉफिट नहीं उठाएगा तो हम लोगों के लिए थोड़ा बात आसान हो जाएगी। और तभी ये छोटी बहन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कॉलेज की लड़की थी शायद जिन हाओ उसे अभी भी देख रहा है, लेकिन डैड के साथ रहने की वजह से उसने मतलब ये इंगेजमेंट डैड ने क्वीन फैमिली के साथ उसको फोर्सफुली करवाया, और ये कितनी शर्मनाक बात है तुम्हें नहीं लगता क्या? तो बड़ी बहन बोलती है कि ऐसा डैड कर ही सकते हैं, और क्या डैड ने उन दोनों का ब्रेकअप कराया क्या, वो कॉलेज की लड़की और उसके बीच का? और लेकिन जिनयाओ ने तो खुद ही कहा था कि
वो उस इंसान से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है। तभी इनकी छोटी बहन पूछती है कि तुम थोड़ा और चाय पीना चाहोगी, तो बड़ी बहन उठती है और बोलती है नहीं मुझे और नहीं पीना है, मैं जा रही हूँ मुझे कुछ काम है, ऐसा करके वो जाती है। अब छोटी बहन स्माइल करती है और सोचती है कितनी बेवकूफ़ औरत है, और जिन हाओ भी एकदम फुलिश है करके। जो ये जो लड़की है वो बेकारी ऐसी सी लड़की है, कुछ खास अच्छी लड़की भी नहीं है। और जो लिंगवाई है वो बहुत हाई फाई लड़की है, वो इसके जो बेटा है उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन फिर भी जिन याओ इन सब में सबसे बड़ा फूल है करके, क्योंकि उसने जो है क्वीन फैमिली से जो मैरिज से बेनिफिट मिलने वाला था उसको टर्न डाउन कर दिया। अब क्या होता है, इनकी जो छोटी बहन है वो सोचती है कि शायद जिन याओ को शादी नहीं करने का मन है, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उसको काफ़ी सीरियस डैमेज हुआ था। बट ये बहुत लकी बात है कि वो उस एक्सीडेंट में सर्वाइव कर गया था, और इसीलिए उसने अपना जो ये था इसका बच्चे पैदा करने के लिए जो उसका इम्पोर्टेंट अंश था वो उसने जमा कर दिया था हॉस्पिटल के बैंक में। लेकिन उसने ये सब काम किया था किसी और के नाम के अंडर, और वो जो था बिल्कुल भी कॉशियस नहीं था इस सब के चीज़ों में। तो उसने अपनी जो ट्रैक्स थे उसको कवर अप नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे ये बात पता चल गई। और मैंने इतने सालों तक ये सब चीज़ें सहन की है, और ये जो है लोग हैं ये लोग जोकर की तरह अपने ट्रिक्स प्ले करते रहते मेरे सामने, और इनके जो स्मग फेसेस हैं ये मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। मतलब ये लोग जो प्राउडली उसके सामने बिहेव करते हैं ना, उससे इसको बहुत इरिटेशन होता है। और जो डैड है इनके, वो सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन लोगों का मतलब कैसे कैसे लोग हैं ये लोग, ये सब उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो और ये अपने मन में सोचती है कि मैं श्योर हूँ कि हमारे जो डैड है वो बहुत ही सूटेबल सक्सेसर जो होगा उसी को चुनेंगे करके। लेकिन जो जिन याओ है यानी हमारे सीईओ जो हैं वो बेसिकली अभी तक इन लोगों की टेम्पररी चॉइस है करके। तो ऊपर से जो सीईओ है उसने शादी करने से भी मना कर दिया, और चूंकि वो अपने डैड की इच्छा से शादी नहीं करेंगे तो उसको इस फैमिली से अबेंडन कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। और यदि उसके पास बच्चा होता तो शायद उसका ये सब कुछ जो भी है रोल थोड़ा अलग सा होता, बिकॉज़ जितने भी हमारे यहाँ के बुढ़े हैं वो बहुत ही ज़िद्दी हैं, और वो लोग जो है ब्लड लाइन के ऊपर किसी भी चीज़ को समझते नहीं हैं, और ये लोग जो हैं अभी भी पुराने रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। और ये लोग सब कितने बेवकूफ़ हैं जो ये लोग पुराने रूल्स को फॉलो करते हैं। तभी कोई नॉक करता है और बोलता है कि मैं अंदर आ जाऊं क्या, तो ये लेडी बोलती है हाँ ठीक है तुम अंदर आ जाओ, और आगे कैसा चल रहा है। तो ये भाई साहब बोलते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, और ये भाई साहब कोई और नहीं इनके पति हैं करके। और ये लोग बात कर रहे हैं कि जो बेबी है वो इनक्यूबेटर में है और वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब वो अपने घर आ जाएगा। तो ये इनकी जो छोटी बहन है बड़ी खुश होती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोगों के घर में भी बेबी आएगा। और तभी उसका हस्बैंड बोलता है लेकिन मुझे पता है कि हम लोग इतने ओल्ड हो चुके हैं, इस उम्र में हमारे लिए बेबी का केयर करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तो जो भी तुम करना चाहती हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ करके। तो ये जो हमारी छोटी बहन है वो बड़ी खुश हो जाती है, बोलती है कि तुम ही एक ऐसे हो जो मुझे समझ सकते हो, और मेरे फादर ने ये तुमसे मेरी शादी करके सबसे अच्छा काम किया है करके। अब क्या होता है, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इनकी जो बड़ी बहन है वो अपने लिए ज्वेलरी के लिए डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही होती है,
और तभी वो बोलती है कि क्या तुम जिन याओ की एक्स गर्लफ्रेंड हो, यानी जो मिस वाई थी, जो कॉलेज स्टूडेंट थी, जो मैंने पहले के चैप्टर्स में बताया था, जिसको हमारे सीईओ ने कवर अप करने के लिए रखा था, उसे ये ढूंढ के लाती है और उससे बात करती है। तो ये लड़की बोलती है नहीं, मैं सीईओ की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ करके। तो ये अपना परिचय देती है कि मैं सीईओ की आंटी हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ किसी रीज़न से बुलाया है, मैं तुम्हें एक चांस देना मांग रही हूँ, तो क्या तुम ये चांस लोगी? और यदि तुम्हें मैं ये चांस दूँ कि तुम सीईओ के साथ में फिर से रहो, तो क्या ये अच्छा रहेगा? तो मिस वाई अपने मन में सोचती है कि ये तो सीईओ की आंटी है। तो आंटी बोलती हैं कि हाँ, तुम सही समझी कि मैं उसकी आंटी हूँ और तुम उसको प्यार करती हो, क्या ये बात सही नहीं है? और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जिन याओ के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इसमें। और मुझे अभी तक ये पता नहीं था कि वो क्यों क्वीन फैमिली की जो लड़की है उसके साथ शादी क्यों नहीं करना चाह रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और को चाहने लगा है, इसलिए वो मिस क्वीन के साथ शादी नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस इंसान को चाहता है वो शायद इंसान तुम ही हो। तो ये जो मिस वाई होती है ना, ये बड़ी अंदर से शॉक्ड हो जाती है कि मतलब सीईओ मेरे साथ प्यार में है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये आंटी बोलती है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। और तभी ये लड़की बड़ी और शॉक हो जाती है, क्योंकि आंटी ऐसा बता रही है कि सीईओ भी इससे प्यार करता है, लेकिन हकीकत में तो सीईओ इससे प्यार नहीं करता। लास्ट टाइम जब ये मिले थे तो उसने कैसे कह दिया था कि तुम्हें मैंने पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें ऐसे गलत आइडिया नहीं दिए थे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, और इसने फट से मुझे रिजेक्ट कर दिया था करके। और तभी सीईओ ने ये भी कहा था कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हें मदद करूं करके, और तब उसने बहुत सारे हर्टफुल वर्ड्स कहे थे। तो लड़की सोचती है कि जिस इंसान से सीईओ प्यार करता है वो डेफिनेटली मैं तो नहीं हूँ। तो ये आंटी अभी भी सोचती है कि इसको ये अपने उसमें ले लेगी, अंटे में ले लेगी, और जो भी है अपने मन का करा लेगी। तो पूछती है तो तुम क्या सोचती हो? तो लड़की अपने मन में सोचती है कि मैं इसको क्या ही जवाब दूं करके, और फिर सोचती है कि ये जिन याओ की आंटी हैं तो ये एक तरीके से अच्छा चांस भी है। तो ये लड़की बोलती है कि सॉरी, हम लोग तो स्ट्रेंजर्स हैं, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ करके, और मैं जिन याओ की गर्लफ्रेंड होना डिज़र्व नहीं करती हूँ। और ये तो प्रोफेसर यिन थे जिन्होंने मुझे स्टडी करने के लिए यहाँ पर भेजा था, और यदि मैं ये सब नहीं करती तो मैं एक्सपेल भी नहीं होती, और अब मैं फाइनली अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगी हूँ, और ये एक बेस्ट रिजल्ट है करके। यदि मैं वापस इन्वॉल्व होंगी तो इस बार तो सीईओ मुझे छोड़ेगा नहीं करके। और तभी आंटी बोलती है कि मुझे सब कुछ तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता है, और वहाँ पर जो है बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो वेल एजुकेटेड भी हैं और गुड लुकिंग भी है और बहुत हम्बल और ऑर्डिनरी फैमिली से हैं, और उन सबके ड्रीम्स यही होते हैं कि वो किसी तरह अपर क्लास में आए और उन्हें ज्वाइन करें, और ये ड्रीम तुम्हारे भी ऐसे ही हैं, और वो लोग को सबको ये लगता है कि वो लोग क्वालिफाइड भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जिनको सक्सेस मिलता है, सबको सक्सेस नहीं मिलता है करके। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम लोगों को ही मिलती है, और ये अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो मुझे यकीन नहीं होता है कि एक्चुअली मैं तुमको ये अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर ले लेती करके। और ये जो रिंग है बॉक्स के अंदर, इसको पैक कर दो और ये सारे रिंग्स पैक कर दो। ये जो आंटी है उतने में ये रिंग्स पैक करने का ऑर्डर करती हैं। तो जो स्टाफ होता है बोलता है ठीक है मैडम, हाँ अभी जाके इसको पैक कर देते हैं। और ये लड़की जो है मिस वाई देख रही होती है कि ये आंटी कैसे मतलब शॉपिंग कर रही है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सीईओ और रूरू सो रहे हैं, और रूरू जो है उठता है और मतलब अपने ड्रीम्स में होता है, देखता है कि कुछ तो बॉल जैसी चीज़ है करके, जो उसको पता नहीं है कि क्या है एग्जैक्टली। तो वो पूछता है कि डकी प्रिंस क्या ये तुम हो? और डकी प्रिंस करके वो उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन ये जो छोटी चिड़िया है
वो भी दूसरी तरफ भागने लगती है। तो रूरू थोड़ा आगे बढ़ता है और उस छोटी सी डक के पास जाता है, तो डक भी क्वैक कर करके आवाज़ निकालती है। और तभी रूरू बोलता है, अरे डकी प्रिंस तुम वापस आओ। और फिर भी देखता है कि डक जो है वो भाग रही होती है। तो रूरू बोलता है कि अरे रुको, रूरू के लिए वेट करो, हम लोग फ्रेंड्स हैं करके। और जो डक है वो आगे आगे भागता जाता है। और रूरू अपने सपने में बोलता है कि हम लोगों को ईवल से हमें फाइट करना है, वेट फॉर मी। और इस चक्कर में वो सोते हुए कभी ही के मुंह पे घूसा मारता है, तो कभी फेंग फेंग के मुंह पे लात मारता है। और ये दोनों बेचारे नींद से उठ जाते हैं और बोलते हैं स्टॉप स्टॉप करके। ये दोनों तो उठ गए होते हैं, लेकिन जो हमारा रूरू है वो अभी भी सपने में डकी प्रिंस को बोलता है कि मेरे लिए रुको करके। तो डकी प्रिंस थोड़ा सा डगमगा सा जाता है और गिर सा जाता है। तो रूरू बोलता है कि तुम ठीक हो क्या? तो जो डक होती है वो थोड़ा सा शिविर करने लगती है। तो रूरू पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम डरो मत, मैं जो हूँ तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। तुम तो बहुत छोटी सी टाइनी सी हो, और क्या तुम डकी प्रिंस हो? फिर से वो पूछता है। तो उसको पता चलता है कि नहीं, ये डकी प्रिंस नहीं है। तो रूरू पूछता है, तो फिर तुम कौन हो? अब लेकिन इस डक को बेचारी को कुछ समझ में नहीं आता। तो रूरू बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो? तो फिर मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें एक नाम दे देता हूँ। तुम चूँकि इतनी छोटी हो तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारा नाम बिग हेड रख दूँ करके। और तभी ना इस डक को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों बोल रहा है करके। वो ये एक एक्स्ट्रा चैप्टर है जो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये मतलब सीरीज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ में दिया है ऐसे फन। तो लेट्स गो, मैं इसे रिपीट एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये बोल रहा होता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं किंडरगार्टन के, मतलब तो सीईओ बताता है कि हाँ जो टेस्ट है वो रूरू के आ रहे हैं, और ये टेस्ट देने से रूरू को अपर ग्रेड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और रूरू जो है फर्स्ट ग्रेड में जाएगा। अब रूरू पढ़ाई कर रहा होता है और बहुत ही फोकस करके पढ़ाई कर रहा होगा। तो ये बोलता है कि कितनी जल्दी टाइम बीत जाता है। ओ माय गॉड, रूरू जो है बहुत जल्दी स्कूल भी बड़े स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में चला जाएगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खुश होते हैं। और सीईओ बताता है कि मैंने एक्चुअली बहुत सारे वर्कशीट्स जो हैं पहले से तैयार किए हैं, और ये जो है इसको लर्न करने में रूरू को हेल्प होगा करके। और हमको बहुत ज़्यादा टाइम रूरू के साथ बिताना पड़ेगा और उससे पढ़ाई लिखाई में मदद करनी पड़ेगी, जिससे वो अपना फाइनल एग्ज़ाम पास कर सके। तो सीईओ बोलता है कि तुम उसको वोकेबुलरी सिखाना और मैं उसे मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, तो ये कैसा रहेगा? तो यही खुशी खुशी तैयार हो जाता है। और बोलते हैं कि लेकिन आजकल के बच्चों को कितना प्रेशर है पढ़ाई लिखाई का, और उन्हें फेस करना पड़ता है। जब मैं किंडरगार्टन में था, मैं तो सिर्फ खाना खाता था, जूस वूस पीता था और गेम्स खेलता था। और जब रूरू आया तो रूरू बहुत ही चार्मिंग था, और उसका फाइनल एग्ज़ाम भी है अब। फर्स्ट पार्ट में जो है ही बताता है कि हमें प्रोनाउंसिएशन सीखना है, तो रूरू सुनता है ध्यान से। और वो लोग बोलते हैं कि रूरू इधर देखो और ऐसा ही देख के बोलो। तो लिखा होता है हियर, तो ही बोलता है इस शब्द को पढ़ो। तो हियर को हमारा रूरू पढ़ता है हेयर, और बड़ा खुश होता है। तो ये दूसरा शब्द दिखाता है जो कि लिखा होता है टर्निप, और बोलता है इसको पढ़ो। तो रूरू फिर कुछ गलत पढ़ता है, बोलता है टर्निप। और फिर तभी ये जो है आखिरी वाला शब्द उठाता है और बोलता है इसको पढ़ो, जो कि होता है वाटरफॉल, लेकिन रूरू पढ़ता है वाटरफूल। तो अब क्या होता है, ये मुस्कुरा तो रहा होता है, लेकिन सीईओ से वो इशारों में बात कर रहा होता है कि देखो इसने सारे शब्द गलत ही पढ़े हैं। तो सीईओ बोलता है कि मे बी हमें शायद मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। तो सीईओ
डायग्राम बनाता है और बताता है कि जो हमारी रोस्ट डक है वो $10 का कॉस्ट करती है, ठीक है। एंड जो तुमने जो है स्टोर को $15 दिए हैं करके, तो तुम्हें कितने चेंजेस मिलेंगे, 15 में से 10 माइनस करने हैं तो जितना चेंज मिलेगा वो तुम्हें बताना है करके। और तो रूरू बोलता है कि जब $10 का है तो मैं डायरेक्ट स्टोर वालों को $10 दे दूंगा ना, $15 क्यों दूंगा करके। और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वाली वो वॉच दिखाता है और बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वाली वॉच में चेंजेस नहीं होते हैं करके। तो बेचारा CEO हक्का बक्का रह जाता है और फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाता है और बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कितने सिर हैं 3-हेड डक के, और जो एक सिर वाली डक है उसके कितने सिर है करके। तो रूरू बोलता है कि 1, 2, 3, 4, 5 करके वो गिनने लगता है, वो 10 तक गिनता है और बोलता है 10 है। तभी ये बोलता है कि एक बार फिर से ट्राई कर लो, शायद तुमने गलत गिना हो करके। तो भी सुपर कॉन्फिडेंट होता हमारा रूरू, बोलता है नहीं 10 है करके। तो ये मन में बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम सिर्फ एक बार और काउंट करो, क्या ये सच में बहुत हार्ड है, क्या तुम फिर से इसे काउंट कर सकते हो क्या। तो रूरू जो है फिर से काउंट करता है और बोलता है ये फिर से 10 है और 10 से ज़्यादा मेरी फिंगर्स भी नहीं है। वो अपने दोनों हाथों के फिंगर दिखाता है और बोलता है कि 10 से ज़्यादा मेरी फिंगर्स नहीं है। और इस बार भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तो ये एकदम थक जाता है और उसको बहुत शॉक लगता है और वो अपने सीने पे हाथ रखता है और बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है करके। और तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा रैन जो है बहुत एक्सरसाइज कर रहा है और उसके मसल्स जो हैं वो बफ्ड हो गए हैं और उसने बफ्ड अप बॉडी बनाया है। तो ये इंसान पूछता है कि क्या तुमने बहुत ज़्यादा अभी मेहनत की है, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही मस्कुलर दिख रहे हो। तो रैन बोलता है कि तुम ज़्यादा सीली मत हो और करके लड़की को बोलता है और अपने मन में सोचता है कि इसने कैसे मुझे नोटिस कर लिया। और फिर भी वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और अपने मन में सोचता है कि जिस इंसान को मैं प्यार करता हूँ उसको देखने के लिए मैं अक्सर जिम से बाहर निकल जाता हूँ फ्री टाइम में और चुपके से उसको देखता हूँ, लेकिन आधे से अधिक टाइम मैं उसको देख नहीं भी पाता हूँ। और जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक मिनट जो है उसे देखना वर्थ इट है, यानी उसको एक एक मिनट जो मैं देखता हूँ उसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती और वो बहुत अच्छा है। अब क्या है, हमारे रैन को भी एक लड़का पसंद है लेकिन ये लड़का कभी भी रैन को ज़्यादा नहीं देखता है करके। और रैन इमेजिन कर रहा है कि जिसे वो पसंद करता है वो भी जिम जाता है तो उसकी बॉडी इसी तरह की होगी। और वो अपने मन में बोलता है कि ये कितना स्ट्रांग है, मस्कुलाइन है और मैं मदद नहीं कर सकता अपनी और मुझे इसके ऊपर क्रश है करके। और अगली बार मुझे अपना करेज को बढ़ाना चाहिए और उससे हिम्मत करके फ़ोन नंबर ले लेना चाहिए और कैसे मैं उसको बताऊं जिससे कि मुझे एम्बेरसमेंट भी ना हो करके। अब क्या होता है, दूसरी तरफ दिखाते हैं हमारा मुँह कि देखिए ये स्टोरी में 3 मैचेस हैं, एक तो हमारा CEO हो गया और ई हो गया और ये रैन और अभी जो लड़का दिखाया था वो, और यहाँ पर हमारे मुमू और ये लिंशी। तो ये भी कपल्स हैं, इनका स्टोरी साइड बाय साइड चलेगा, जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर क्या होता है, लिंशी बोलता है कि मुमू तुम्हारा जो ट्रिप है वो नेक्स्ट वीकेंड का है और तुम्हें जो है सब कुछ एडवांस में तैयार करना है। और तभी मुंह बोलता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, अब तुम जाओ अपना काम करो। तो लिंशी बोलता है ओके बॉस। और जब ये चला जाता है तो ना हमारा मुंह जो है बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है और सोचता है कि बिज़नेस ट्रिप है तो मैं कौन सा होटल बुक कर लूँ, और ऐसा कोई होटल होगा क्या जहाँ से मेरे को समुद्र का व्यू दिखे।
तो मैं और लिंशी वहाँ पर समुद्र का व्यू देख सकते हैं। तो क्या मुझे एक नाइट सूट बुक कर लेना चाहिए क्या? और वो इमेजिन करने लगता है कि हम लोग जाएंगे तो लिंशी और मैं डेट पे भी जाएंगे। तभी वो सोचते हैं कि क्या मैं प्राइवेट हॉट स्प्रिंग बुक कर लूँ, जिससे हम लोग वहाँ स्पा जाएँ तो लिंशी और मैं स्पा में भी अकेले होंगे और हम दोनों के बीच में मतलब कुछ प्रोग्रेस होगी करके। तो मोमो सोचते हैं कि कितने सारे ऑप्शंस हैं और ये बहुत मुश्किल है इतने सारे ऑप्शंस को चूज़ करना। तभी लिंशी आता है और बोलता है कि बाय द वे, कंपनी ने हमारे लिए होटल पहले से ही बुक कर रहा है, बुक किया हुआ है, और जो ये है वो एक टेक हब के अंदर है करके, और हमें एक एक बिजनेस सूट मिलेगा जो कि सिंगल होगा करके। अब लिंशी जब ये बात बताता है तो मोमो एकदम से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मोमो के तो दिमाग में भाई अलग अलग तरह के हैं, हॉट स्प्रिंग टब वाला सूट चाहिए, बड़ा सूट चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोमो ने प्लान की है, लेकिन वो कंपनी के द्वारा जो प्लान हुआ है उसकी वजह से उसके ओरिजिनल प्लान पे पानी फिर गया है करके। अब ये एक्स्ट्रा स्टोरी जो है वो साइड की भी ख़त्म होती है, और दिखाते हैं कि एयरपोर्ट आ गया है और जो हमारा यी है लगेज लेके आ रहा होता है, और उससे सीए बोलता है मुझे लगेज दो, तो यी बोलता है नहीं मैं अपने आप ये कर लूँगा, और सीईओ बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना और मुझे रोज़ फ़ोन करना, और रूरू तुम्हें मिस करेगा और मैं भी तुम्हें मिस करूँगा। तो यी बोलता है ठीक है मैं समझ गया, और लाओ अब मेरा सामान दो, और ये सब चीज़ें हैं। सीईओ बोलता है कि जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें विज़िट करने अक्सर आया करूँगा, और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा करके। तो ये बोलता है अक्सर आया करूँगा, हफ्ते में एक बार या दो बार आऊँगा, सीईओ बोलता है, और या फिर वंस इन ए वीक आया करूँगा करके, और मे बी मैं एक हफ्ते में दो बार ही ठीक रहेगा करके। तो ये बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम अधिकतर आ भी नहीं सकते, तुमको काम पे भी जाना है, तुम अपना काम पे ध्यान लगाओ, सब ये सब चीज़ों पे टाइम मत वेस्ट करो। और तभी वो बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी चेक से जाना है तो मेरा बैग दो और अब तुम जाओ, और वो अपना बैग खींचने लगता है करके, लेकिन सीईओ कहाँ उस बैग को हाथ से जाने देने वाला है, सीईओ आखिरकार यही से प्यार करता है। तो ये बोलता है अब चलो मुझे मेरा बैग दे दो, तो सीईओ बोलता है लेकिन लेकिन उतने में सभी लोग ना यी को देखने लगते हैं और कोई पहचान जाता है, बोलता है अरे ये तो यी है यी है, तो यी भी देखता है उनकी तरह, और सारी लड़कियां उधर आती हैं उसका फ़ोटो खींचने लगती हैं और उसको हाय बोलने लगती हैं और पूछने लगती है कि रैन रैन भी है क्या, क्या तुम रैन रैन के साथ आए हो, और सब लोग बोलने लगते हैं कि ये यी है यी है करके। तो सीईओ और ये जो है वो बेचारे ऐसे भीड़ में फंस जाते हैं, और तभी कोई पूछता है क्या तुम रैन रैन के साथ जा रहे हो, हम यहाँ पर रैन रैन को सी ऑफ करने आए हैं, क्या रैन रैन भी यहाँ है, उसको क्या वो 7 बजे से यहाँ वेट कर रहा था क्या? और तभी ये अपने मन में सोचता है कि रैन रैन को शायद यहाँ अभी तक आ जाना चाहिए, और बोलता है कि शायद ये रैन रैन के फैंस हैं करके। और तभी सीईओ बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलता है हाँ मुझे पता है ये रैन रैन के फैंस हैं करके। तो कुछ लोग पूछते हैं ये को कि आप क्या रैन रैन को सी ऑफ करने आए हो क्या, और तभी कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ ये को भी देखेंगे, और कुछ बोलते हैं कि ये हम एक्चुअली में तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हमें ऑटोग्राफ चाहिए, और कुछ बोलते हैं हमें प्लीज़ अपना ऑटोग्राफ दे दो। तभी एक लड़की आती है और बोलती है कि मैंने ये जो है कुकीज़ बनाई है अपने हाथों से, और तो ये आप रख लीजिए, और रैन रैन जब आएगा तो उसको भी दीजिएगा। दूसरा आता है बोलता है आई लाइक यू ही करके, और ये जो है मैंने कुछ डॉल्स बनाए हैं आप इसे रख लीजिए करके, और क्या कहते हैं हम आपको और रैन रैन को सेम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। ये सब देख के ना सीईओ थोड़ा सा गुस्से में भी हो रहा होता है कि सब लोग यी को ही देख रहे हैं करके, और यी जो है वो सबका ना ऑटोग्राफ साइन कर रहा होता है। तभी कोई आता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी, और फूलों का गुलदस्ता लेके एकदम घुस जाता है और सीईओ को भी धक्का दे देता है, और बोलता है कि ये फ्लावर्स जो है तुम्हारे लिए है, तुम अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना और रैन रैन का भी ख्याल रखना करके। और तभी ना सीईओ का मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि सीईओ को जेलस होने लगता है ना, अभी लड़कियाँ भी लड़के भी सभी को पसंद कर रहे हैं,
और तभी हमारा ये बोलता है कि ठीक है, थैंक यू, और मैं ऐसे ही करूँगा जैसे आपने बोला। सब लोग बोलते हैं आप अपना ख्याल रखना, उसका भी ख्याल रखना। और तभी ये अपने मन में सोचता है कि वाकई में रैन रैन कितना टफ है, वो कैसे ये सब चीज़ें फेस कर लेता है करके। और तभी कुछ बोलते हैं हमारे साथ पिक्चर खिंचाइए, क्या हम आपके साथ पिक्चर ले सकते हैं, मुझे भी खिंचानी है, मुझे भी खिंचानी है करके काफ़ी भीड़ हो जाती है। और तभी लड़की बोलती है हमें लगता है कि यी को भीड़ भाड़ से निकालना चाहिए। तो सीईओ भी ये सोच रहा होता है। उतने में क्या होता है, कोई आता है और बोलता है कि तुम और रैन रैन एक परफेक्ट कपल हो, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अब सीईओ बेचारा अलग ही खड़ा होता है करके और सोच रहा होता है क्या करे। अब उतने में क्या होता है कि रैन रैन आ जाता है और वो सब लोग देखने लगते हैं कि अरे रैन रैन आ गया, रैन रैन आ गया। हमारा रैन रैन भी एकदम टशन में तैयार होके आया हुआ होता है और ये भी रैन रैन को देखता है। अभी एक लड़की आती है, बोलती है चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, हम लोग को रैन रैन के पास जाना है। और ये का हाथ पकड़ के उसको खींचते हुए रैन रैन के पास ले जाने के चक्कर में होती है, ऑलमोस्ट ले जाई गई होती है। तभी ना सीईओ आता है और बोलता है कि हमें एक्सक्यूज करो, और वो ये को पीछे खींच लेता है और बोलता है कि हमें जाने दो करके, और ये को अपने साथ में ले जाता है और बोलता है कि ये वाली जगह बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली है, तो हम लोग दूसरे सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे जाते हैं। तो ये बोलता है ओके। अब क्या होता है, सीईओ ये का हाथ पकड़ता है और उसको ले जाता है। ये बेचारा ब्लश कर रहा होता है लेकिन फिर भी उसने सीओ का हाथ नहीं छोड़ा होता है, और दोनों जाते हैं। और तभी ये लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि उसने तो हमारे साथ पिक्चर लेने का वादा किया था, लेकिन कौन था वो आदमी जो ये को हमारे पास से ले गया। तो कोई बोलता है कि शायद उसका बॉडीगार्ड होगा, लेकिन बहुत ही हॉट है करके। और तभी रैन रैन देखते हैं कि रैन रैन को दिखाते हैं, और रैन रैन बोलता है कि ऐसा लगता है सब लोग जो हैं यहाँ वॉर छेड़ देंगे करके, मेरे जो फैंस हैं बहुत ही पैशनेट हैं। और तुम तो यही बोलता हाँ तुम्हारे फैंस जो है वो कुछ ज़्यादा ही पैशनेट हैं करके, और मैंने देखा कि वो कैसे हैं। तो रैन रैन बता है कि मैंने तुमको भी देखा कि तुम कैसे चुपके से भाग रहे थे और तुमने मुझे वहाँ पर अकेले ऐसे डील करने के लिए छोड़ दिया था। तो ये बोलता है कि वहाँ सिचुएशन जो थी थोड़ी कैथार्टिक थी, मतलब अच्छी नहीं थी, और मैं कुछ ऐसे फ्रेंड्स में पड़ गया था जिन लोगों ने पहले हमें बदनाम करने की कोशिश करी थी। तो रैन रैन होता हाँ तुम्हारा पॉइंट भी सही है करके। और रैन रैन तभी पूछता है कि जो लड़का तुम्हें अपने साथ खींच के ले गया था वो कौन था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। ये तुरंत नहीं कह देता है, और तभी वो जो रैन रैन है वो भी देखने लगता है और बोलता है कि वैसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर बहुत सी गॉसिप का जो है स्मेल आ रहा है करके, जूसी स्मेल आ रही है करके। अब क्या कहते हैं, ये बोलता है ठीक है फाइन, जिसको तुमने देखा वो मेरा बॉयफ्रेंड जैसा ही है करके, और ये बोलते हुए वो ब्लश करता है। तो रैन रैन बोलता है लेकिन तुम लोग तो हाथ पकड़ के चल रहे थे और पूरा एयरपोर्ट पे चल रहे थे जैसे कि कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा हो, क्या तुम भूल गए कि तुम पब्लिक फिगर हो, तो क्या तुम्हें याद है अब कि तुम पब्लिक फिगर हो करके। तो ये और भी शाय हो जाता है। और तभी रैन रैन पूछता है क्या तुमने कभी उसको किस किया है क्या, मतलब सीईओ को यी ने कभी किस किया है क्या। तो यी ना शर्मा जाता है और फट से उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम, हम तो बस अभी एक दूसरे को देख ही रहे हैं, और हो सकता है कि ये जो रिपोर्टर्स होते हैं उन्होंने हमें स्पॉट किया हो, लेकिन फिर भी मैं सीईओ का हाथ अपने हाथ से छुड़ाना नहीं चाहता था करके। तो रैंडन बोलता है तो क्या तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, तुम कितने साल के हो, क्या तुम 12 साल के बच्चे हो जो अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, और तुमको अपना जो फीलिंग्स हैं वो उसको बता देनी चाहिए। तो ये बोलता है लेकिन मेरा कैरियर जो है अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे उस पर फोकस करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ये अभी अप्रोप्रिएट टाइम और आइडिया है ये लव वव में बोलने का, और मुझे अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए इसके ऊपर सोचने के लिए, और मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। तभी रैन रैन बोलता है
कि तुम्हें लगता है कि जो इंसान तुम्हें अभी प्यार करता है वो तुम्हारे लिए हमेशा वेट करेगा, और ये भी हो सकता है कि एक दिन उसका पेशेंस ख़त्म हो जाए और जब तुम्हें फाइनली पता चलेगा अपने फीलिंग्स के बारे में, और जब तुम फाइनली चाहोगे कि तुम्हें उस इंसान के साथ होना है और वो वहाँ नहीं होगा तो कैसा लगेगा करके। और क्या है, जब तक तुम्हें रियलाइजेशन होगा तब तक इन सब चीज़ों का एंड हो चुका होगा, और क्योंकि उस इंसान ने ऑलरेडी तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम और अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया होगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये एक फेयर चीज़ है, मतलब किसी को इंतज़ार कराते रहना और ऐसा सोच लेना कि एक आदमी हमारा हमेशा इंतज़ार करेगा, ये वाकई में एक अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि कई बार लोग अपनी होप्स को गिव अप कर देते हैं। तो ये भी काफ़ी थिंकिंग में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। और क्या होता है, पार्टी हो रही होती है, रात का समय होता है, और लोग बोलते हैं सीईओ से कि हम यहाँ पर कोलैब करने आए हैं करके, और हम फ्यूचर में भी जो है आपके साथ बिजनेस करेंगे, तभी ये मिस वाई भी इस पार्टी में आती है। अब ये जो मिस वाई है अपने मन में सोचती है कि तुम ये कर सकती हो और तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो, तभी एक आदमी आता है और बोलता है गुड इवनिंग मिस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ करके, और तभी बोलती है मुझे एक ग्लास ड्रिंक का चाहिए करके। तो वो आदमी उसको एक ग्लास दे देता है और वे फट से उस ग्लास को खाली कर देती है और वेटर को वापस करती है और आगे बढ़ती है। तभी उसका हाथ ना एक लड़की पकड़ लेती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हमारी मिस वाई बोलती है कि यूहान तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तभी ये यूहान पूछती है कि और तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला। तो मिस वाई जो होती है बोलती है कि क्या, और तभी ये हरे बाल वाली लड़की पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई हो, और जिन याओ जो है वो यहाँ पर अकेला आया है आज रात को। तो ये लड़की बोलती है, वाई बोलती है कि जिन याओ और मैं, जब कुछ बोलने ही वाली होती है तभी हमारी ये ग्रीन बाल वाली लड़की बोलने लगती है कि क्या तुम अभी भी मेरे से झूठ बोलने का प्लान बना रही हो, तुमने पहले भी मेरे से झूठ बोला कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, और लेकिन तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, और तुम्हें उसने ऐसे ही इनवाइट किया था अपने इवेंट्स में आने के लिए, अब मुझे सब कुछ पता है, और तो अब तुम मुझे बुद्धू बनाना बंद करो। तो जो मिस वाई होती है वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को अवॉइड कर रही होती है और देखती है कि सीईओ बाहर जा रहा है और सोचती है क्या वो यहाँ से जा रहा है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से स्लिप नहीं होने दूंगी। तभी ना हमारी ग्रीन हेयर वाली लड़की जो है वो उसका हाथ कर लेती है और बोलती है मैंने तुम पर बहुत ट्रस्ट किया था और मैंने तुम्हारे लिए अपने फैमिली को भी इग्नोर किया था और तुम्हें मैंने अपने सिस्टर की तरह ट्रीट किया था, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरा फ़ायदा क्यों उठाया, और तुमने जिन याओ और क्वीन की इंगेजमेंट को भी रुइन कर दिया, तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, और तुम बार बार कहती थी कि मैं सीईओ की गर्लफ्रेंड हूँ करके, और तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी बिग ट्रबल में भी आ गई, तुम इतनी कैसे, तुम्हारा दिल इतना कैसे ख़राब हो सकता है, और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था जो तुमने मेरे साथ इतना झूठ बोला और मेरा ऐसे इस्तेमाल किया, और तुमने मेरे को क्यों फ्रेम किया, गलत चीज़ों में क्यों फंसाया। और बोलती है कि तुम एक झूठी लड़की हो और मुझे अभी भी पता है कि यहाँ पर भी तुम कुछ कांड ही करने आई हो करके। अब सीईओ बाहर निकल चुका होता है और ये ग्रीन वाली हेयर वाली लड़की बोलती है कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी, और मिस वाई जो होती है सब कुछ अवॉइड करने के लिए बोलती है मुझे नहीं पता तुम क्या बातें कर रही हो और अब मुझे तुम एक्सक्यूज़ करो करके, ऐसे करके वो जाती है। और ना वो बाहर निकलती है गार्डन की तरफ और देखती है इधर उधर और सोचती है कि जिन याओ कहाँ चला गया, क्या वो सच में घर चला गया या कहीं और चला गया। और तभी उसको सुनाई देता है कि कोई बोल रहा है कि क्या तुम लैंड हो गए हो क्या, मतलब हमारे सीईओ यहीं से बात कर रहे हैं कि उसका एरोप्लेन लैंड हो गया क्या। तो उसको सीईओ की वॉइस वॉइस सुनाई देती है और वो खुश हो जाती है सोच के कि अभी भी सीईओ यहीं है घर में क्या। सीईओ एक बेंच पे बैठा होता है गार्डन में और वो बात कर रहा होता है, तो मिस वाई सुन लेती हैं कि वो किसी और आदमी से बात कर रहा है। तो सीईओ पूछता है ही से क्या तुम टायर्ड हो, तो जो फ्लाइट है वो सिर्फ 2 आवर्स की थी,
और ये मैं हैंडल कर सकता हूँ, ऐसा ही का रिप्लाई आता है। और ये को बोलता है कि अभी बहुत लेट हो गया है, ये बोलता है कि अभी बहुत लेट हो गया, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। तो इसी को बताता है कि एक बिजनेस पार्टी है, यदि तुम चाहते हो कि मैं घर जल्दी चला जाऊँ तो मैं अभी चला जाऊँगा। तो लड़की ये सब सुनती है और अपने मन में सोचती है कि जिन गया वो एक्चुअली में स्माइल भी कर सकता है और इतने प्यारे शब्द भी बोल सकता है, और ये जो है किसी एक अच्छे आदमी से कम नहीं है करके। और तभी ये बोलता है कि नहीं ठीक है, तुम अपने बिजनेस पे फोकस करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे अपना लगेज पिक करना है, ऐसा करके बाय कह देता है। तो सीईओ बोलता है ठीक है तुम जाओ और रेस्ट करो। तो ये हमारी लिंग ये मिस वाई है, वो सोचती है कि अच्छा, यानी कि ये आदमी जो है जिस इंसान से प्यार करता है, अभी ये मन में सोच रही होती है तभी सीईओ की आवाज़ फिर से आती है कि कुछ बोलने ही वाला होता है, इतना ही की आवाज़ आती है कि तुम कुछ ज़्यादा मत पीना। तो सीईओ जो है मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है मैं समझ गया, और गुड नाइट बोल देता है। अब ये जो लड़की है वो सोचती है कि जिन याओ जो है वो किसी को देख रहा है, लेकिन वो जिसे देख रहा है वो एक आदमी है। तो जिन याओ बेसिकली एक बॉय लवर है और इसीलिए कभी भी मैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं उसके बहुत क्लोज में नहीं थी या मैं कहीं से कम थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा जेंडर वो नहीं है जिस जेंडर को सीईओ पसंद करते हैं। मतलब जो हमारे सीईओ हैं वो बॉयज़ को पसंद करते हैं, वो लड़कियों को पसंद नहीं करते करके। तो जो ये लड़की है वो सोचती है कि इतने सालों तक मैंने जो इतना फाइट किया लोगों के साथ में, वो कभी फाइट एग्जिस्ट ही नहीं किया। और ये सारी चीज़ें जो दूसरी लड़कियां मेरे से सीईओ को छीनना चाहती थी और मैंने उस सब से अपना पीछा छुड़ाने की इतनी जो मेहनत की, और ये सब सिर्फ मेरे दिमाग में था। मेरा लाइफ कितना पैथेटिक है कि मैंने जो कुछ किया वो सब किसी भी चीज़ से रेवलेंट नहीं था, और लेकिन मैंने सब कुछ खो भी दिया अपनी इस हरकत की वजह से। और अभी भी जो मैं कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, मैं अभी भी यहाँ हूँ क्यों करके। इसका मतलब यह है कि ये जो लड़की है इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और इसे अब ये पता चल गया है कि जो सीईओ है उसे लड़कियाँ नहीं लड़के पसंद है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसने जो कुछ इतने समय तक षड्यंत्र रचा वो सब वेस्ट था, उसका कुछ भी हो नहीं पाया। अब क्या होता है, हमारे सीईओ बैठे होते हैं और ये लड़की जो है टिकटॉक करके चल के जाती है और आवाज़ लगाती है जिन याओ। और दूसरी तरफ जो है अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा होता है जहाँ पर शूटिंग चल रही होती है, और ये जो है अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। तभी ये जो पिंक हेयर वाली लड़की है वो अपना शॉट दे रही होती है, और तभी कोई बोलता है कि अभी जो नेक्स्ट सीन है वो लिली का और यी का है। और यी जो होता है वो थोड़ा वरीड हो रहा होता है और उसको लगता है कि जो लिली है वो कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करेगी, और फिर वो अपने मन में सोचता है कि काश वो कुछ ना करे करके। और ये बोलता है कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने लाइंस को याद करना चाहिए करके। और तभी क्या होता है कि वहाँ पर ऑर्डर आता है कि नेक्स्ट सीन करो करके, और तभी ये लड़की बोलती है तुम कौन हो और तुम इस प्लेस के बारे में कैसे जानते हो। और तभी ही बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं इस प्लेस के बारे में कैसे जानता हूँ और मैं कौन हूँ, और जो मैटर करता है वो मिशन मैटर करता है करके, और मुझे अपना कोड बताओ। और ये सब जो भी फिल्म के स्क्रिप्ट के डायलॉग होते हैं वो सब ये जो है बोलना होता है ये को। अब लड़की अब बोलती है कि इसमें कोई कोड वर्ड नहीं था। तो अब डायरेक्टर की आवाज़ आती है, डायरेक्टर बोलता है कट, और हमें ये वापस सीन दोबारा करना होगा। क्या कोड वर्ड कट करके ऐसे बोलते हैं, और तभी हमारा जो ही है वो नर्वस हो रहा होता है, और तभी उनको आवाज़ आती है, कोई उनको बुलाता है, और
कोई बोलता है कि लिली तुम बहुत अच्छा कर रही हो, और कोई बोलता है कि ये तुमको अपने फेस को देखना चाहिए, एक्सप्रेशन जो है तुम्हारे बहुत स्टिफ है और तुमको इसको थोड़ा बेटर करना चाहिए करके, और तुम्हारा जो सीन है इसको तुम्हें सुधारने की ज़रूरत है। और उतने में ये जो सोचने लगता है कि उसके चेहरे पे क्या वरीज दिखाई दे रही हैं क्या, और तभी वो सोचता है कि मेरा एक्टिंग जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है और मैं अपना फोकस जो है लूज़ कर रहा हूँ। और तब सभी लोग ना इस लड़की की तारीफ करते कि लिली तुमने बहुत अच्छा किया करके, और लिली बोलती है थैंक यू करके, और तभी डायरेक्टर बोलते हैं कि ये तुमको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, 10 मिनट के अंदर तुम आ जाना। तो ये बोलता है ओके सर, और ये लड़की बड़ी खुश हो रही होती है कि ये का तो कुछ हुआ नहीं, ये हमेशा की तरह अभी भी यूज़लेस ही है करके। अब ये सोचता है कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है और मुझे अपने इमोशंस को सेट करना है और मुझे वैसे ही करना है जैसा कि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और तभी हमारी मिस जैंग आती है और बोलती है कि एक काम करो, तुम पानी पियो, तुम काफ़ी स्ट्रेस आउट दिख रहे हो। और तभी ही पानी का बॉटल लेता है और बोलता है थैंक यू करके, मुझे कुछ टाइम मिला है, मुझे इसके अंदर सब कुछ सही करना है, मैं अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। और तभी ये बोलती है कि शायद तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए और शायद तुम बहुत टेंस हो तो इसीलिए तुम ठीक से कर नहीं पा रहे हो। और तभी सोचता है हाँ इसकी बात में टाइम दम तो है करके। और तभी लड़की बोलती है, मिस जैन बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, 9 मिनट्स बचे हैं, तो यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम अपने आप को रिलैक्स करो और तुम एक काम करो, क्यों ना तुम फ़ोन पे किसी से बात करो। तो यही फ़ोन लेता है और क्या कहते हैं सीईओ को फ़ोन लगाता है, और तभी ये बोलता है क्या मैं तुम्हें सोने के टाइम पे कॉल कर रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो सीईओ बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पूछता है कि क्या तुम्हें ब्रेक मिला है, और तभी ये बताता है मुझे 10 मिनट का ब्रेक मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात कर लूँ, और मैं शूट के दौरान में काफ़ी बेचैन हो रहा था, तो क्या तुम मेरे से थोड़ी देर बात कर सकते हो। तो सीईओ बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ, बताओ तुम्हें किस बारे में बात करनी है। तो ये बोलता है मुझे नहीं पता, किसी भी बारे में बात करो। और तभी पूछता है तुमने आज क्या किया, और तभी सीईओ बोलता है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठा और फिर मैंने रूरू को यहाँ वहाँ ले गया, फिर तभी क्या होता है ये बोलता है कि 2 बज रहा है और मैं कंपनी में हूँ करके। और तभी वो सुनता है कि वो कुछ सीईओ बता रहा है, लेकिन हमारा जो ही है ये सारी बातें सुन के उसको बहुत ही रिलैक्स फीलिंग होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। और तभी ये भी सोचता है कि उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार वो फेक एजेंट है, उसमें उसका रोल कॉमेडी का ही है, और जो लिली है वो एजेंट डीएसएन का रोल कर रही है और लिली जैंग का रोल नहीं कर रही है करके। तो रियलिटी और ड्रामे में फ़र्क है और दोनों वर्ड्स को हम मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, और मैं जो हूँ एक फेक एजेंट हूँ, फेक एजेंट वो अपने आप को बार बार यही रिपीट करके बोलता है। और तभी कोई आता है बोलता है कि मिस्टर ही टाइम हो गया है, और तभी ही बोलता है सॉरी मेरा जो ब्रेक है वो ओवर हो गया, मुझे जाना है। और तभी इसी ये पूछता है कि अब तुम्हें ठीक लग रहा है, तो ये बहुत खुश होता है, बोलता है हाँ मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू करके। और तभी सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, ये भी अपनी पोजीशन लेके एकदम कॉन्फिडेंस में आ चुका होता है। अब सीईओ सोच रहा होता है कि ये ने फ़ोन किया, और फिर वो फ़ोन को टेबल पे रखता है और फिर एकदम सीरियस होके सोचता है कि आज क्या क्या हुआ। अब उसे याद आता है कि कैसे मिस वाई ने उसे आवाज़ दी थी, बोला था जिन आओ, और बोला था कि सीईओ जब उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। तो सीईओ बोलता है क्या तुमको जो मैंने वार्निंग दी थी लास्ट टाइम क्या तुम भूल गई, और क्या मैं तुम्हारे पे कोई प्लस चार्जेस नहीं लगाना चाहता हूँ करके, लेकिन यहाँ से तुम्हें मेरे आँखों के सामने से गायब होने की ज़रूरत है। तो लड़की थोड़ा सा उदास हो जाती है, बोलती है हाँ मुझे पता है, और लेकिन मेरे पास कोई आया था और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ क्लोज रहूं और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाऊं, और मैं उससे मना नहीं कर पाई, तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ।
करके, तो सीईओ को वो बताती है कि तुम्हारी आंट आई थी मेरे पास और उसने कहा कि तुम किसी के साथ प्यार में पड़ गए हो करके, और उसने ये सोचा कि जिसके साथ तुम्हें प्यार है वो मैं हूँ करके, और उसने ये भी कहा कि वो मुझे एक चांस देना चाहती है तो मैं यहाँ पर आई हूँ करके, और मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा था इसलिए भी मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही वो अपनी बात और आगे बढ़ाती है कि कोशिश करती है, सीईओ उसकी आधी बात काट देता और बोलता है कि तुम्हारा क्या पॉइंट है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या तुम ये सब बताने के लिए आई हो। तो लड़की बोलती है मैंने तुम्हारी सारे कन्वर्सेशन सुन लिए कि तुम किसी लड़के के साथ बात कर रहे थे, और तुम किसी लड़की वड़की को नहीं, एक्चुअली में तुम किसी लड़के को प्यार करते हो और तुम किसी भी औरत में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो क्या मैं क्या इस वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती थी क्या मैं। तो ये सीईओ बोलता है कि अपनी ना ज़्यादा तारीफ़ करने की और अपने आप को बहुत महान समझने की कोशिश मत करो, यदि मैं आदमियों में इंटरेस्टेड नहीं होता तो भी मैं तुम्हें नहीं चुनता करके, और यदि मैं आदमी को पसंद करूं या औरत को पसंद करूं इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, तो तुम अपना टाइम जो है ना यहाँ पर वेस्ट मत करो और अगली बार मुझे मेरे आसपास नहीं दिखाई देना, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम बस अपना ध्यान रखो। तो लड़की फिर भी बोलती है कि मैं तुमको हेल्प करना चाहती हूँ, और तो सीईओ बोलता है हाँ बहुत बड़ी मेहरबानी होगी यदि तुम मेरे से दूर रहोगी तो यही मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो लड़की बोलती है क्या होगा यदि लोगों को पता चल गया कि तुम आदमियों को पसंद करते हो, तब भी क्या तुम इतना कामली एक्ट करोगे क्या, और मैं तुम्हारा कवर बन के तुम्हें बचा सकती हूँ इन सब चीज़ों से, और क्या होगा यदि तुम्हारे फैमिली को भी पता चल गया तो क्या तब भी तुम इतना कॉन्फिडेंट रहोगे, और यदि तुम्हारी आंटी को भी पता चला तो सीईओ ना एकदम से चिढ़ जाता है, बोलता है ये सब तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम मेरे मैटर को मत देखो, तुम अपनी सोचो करके। तो एकदम से वो लड़की बोलती है कि ठीक है तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि मान लो कि को कुछ फ़र्क पड़ा तो क्या करोगे, क्या वो इन सब की ओपिनियन जो होगी उसके बारे में उसको झेल सकेगा क्या, क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है क्या। और वो बोलती है कि जिन आओ मैं तुम्हारा सीक्रेट रखने में मदद कर सकती हूँ, और तुम्हें हमारा रिलेशन सिर्फ ऐसे ही निभाना पड़ेगा, और तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस ऑर्डनरी लाइफ से बाहर निकलना चाहती हूँ, मुझे एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, और मैं मुझे दूसरों की तरह बड़ा बनना है करके, और मैं हायर सोसाइटी का भी पार्ट होना चाहती हूँ। सीईओ एक भी बात नहीं सुन रहा होता है क्योंकि अब सीईओ के दिमाग में कुछ और बात चल रही होती है, और वो सोचने लगता है क्या कि दूसरों के ओपिनियंस जो हैं क्या उसको ये के लिए मैटर करेगा क्या, और चूंकि ये जो है पब्लिक फिगर है तो क्या हमारा रिलेशनशिप उसके कैरियर पे इफ़ेक्ट डालेगा क्या, क्या उसके फैंस उसको छोड़ देंगे क्या, और क्या वो अपने कैरियर से और लव के बीच में अपने कैरियर को चुनेगा क्या, और क्या मैं अपने बहुत ही सेल्फिश हूँ क्या, और क्या मैं उसको ऐसे मतलब कैरियर उसका ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या। तो लड़की फिर से सीईओ को रियलिटी में लाने की कोशिश करती है, बोलती है कि मुझे सिर्फ लग्जीरियस लाइफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, और इसीलिए तुम इसके बारे में थोड़ा सोचना। अब क्या होता है ये जो है सीन पे वापस आ चुका होता है और अपना सीन दे रहा होता है, और इंस्ट्रक्टर उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि तुम्हें ऐसे करना है करके, और इस तरीके से तुम्हें मूव करना है, इस तरीके से तुम्हें डॉज करना है, ये सब सिखा रहा होता है। और तभी लड़की सोचती है जिसे ही से जेलस है कि तुम इस बार तो लकी हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगी कि एक्शन सीन्स होते क्या हैं, और फिर वो ऐसे करके किक विक करती है, और तभी डायरेक्टर बोलता है कि कट करो, तुमने लिली रॉन्ग मूव किया है, और इस तरीके से जो है ये का फेस नहीं आ पाएगा, और तो हमें फिर से करना है करके। तो ये फिर से सीन करते हैं, ये फिर से सीन कट होता है, फिर से ये सीन वापस होता है, और तभी डायरेक्टर बोलता है कि लिली जो तुम हो गलत सीन कर रही हो, तुम पूरा कैमरा ब्लॉक कर रही हो, और ये जो है ये घी का सीन है, ये तुम्हारा सीन नहीं है, और तुम इस टर्न के साथ कोऑर्डिनेट करो। मतलब एक तरीके से इस लड़की की फॉल्ट्स निकाले जा रहे होते हैं, और किसी तरह से ये शूटिंग को किया जाता है, और ये आदमी बोलता है कैमरामैन कि ही ने बहुत अच्छा फोकस किया, उसके शॉट्स बहुत अच्छे आए हैं करके, और
उसके के बाद क्या होता है, यहाँ पर दिखाते हैं कि ये जो फिर से हमारे सीईओ के अंकल का जो बेटा है वो यहाँ पर दिखाते हैं कि मिस्टर फैंग जो आपने हमसे रिक्वेस्ट की थी हम वो सब कर रहे हैं और हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ली और लिंगवाई का क्या रिलेशनशिप है और हमको ये सारे फ़ोटोज़ भी मिले हैं करके। वो फ़ोटोज़ एक आदमी इस इंसान को दिखाता है कि कैसे दोनों क्लोज हैं और कैसे जो लिंगवाई है हमेशा इतना कोल्ड बिहेव करती है दूसरे लोगों के साथ, लेकिन ही के साथ बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बात कर रही है, लेकिन वो जो है ही को पसंद करती है। और तभी ये लड़का पूछता है कि तुम्हें और क्या क्या पता है, तो दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे बेसिकली कुछ खास नहीं पता है, पर इतना पता है कि ही फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है, कोई कुछ कर नहीं सकता है करके, तो हम अपना किसी आदमी को उस ग्रुप में भेजेंगे जो वहाँ पर उनके ऊपर नज़र रखेगा। और तभी ये सोचता है कि जिस कंपनी में ये काम कर रहे हैं ही और लिंगवाई, वो एक्चुअली जिन याओ हमारे सीईओ के दोस्त मोमो की कंपनी है करके, तो वो सोचता है कि आखिरकार जिन याओ और ही का रिलेशनशिप क्या है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए वो बोलता है और बोलता है उन लोगों पे नज़र रखो और मुझे ये बताते रहना कि वो लोग कहाँ कहाँ गए और किस किस से मिले। तो लड़का बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कुछ ही दिनों में खबर देता हूँ करके। और तभी यहाँ पर दूसरी जगह दिखाते हैं कि मीटिंग हो रही होती है और लोग बोल रहे होते हैं कि ये न्यू प्रोडक्ट है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये न्यू डिज़ाइन है। हमारा जो सीईओ होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है और सब सुन रहा होता है, और तभी उसका ध्यान थोड़ा सा हमारे ही की तरफ भी जाता है क्योंकि ये लड़की ने जो था बोला कि क्या होगा यदि लोगों का ओपिनियन मैटर करे और ही के कैरियर पे भी इफ़ेक्ट पड़े। और तभी एक आदमी आता है बोलता कि सर आप मेरा भी रिपोर्ट देखो, तो सीईओ जो है वापस अपने रियलिटी में आता है और बोलता है कि ऐसा करते हमारा जो गोल है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव गोल है, हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है वो एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट जो है उसमें बहुत सारे प्लान को बनाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो ये आदमी बोलता है ओके सर, और तभी सीईओ बोलता है कि हमें सिर्फ जो कस्टमर है उनकी जो डिमांड है उसी को हमें सेटिस्फाई नहीं करना है, हमें जो है हमारे कस्टमर्स को एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी देना है और हमें उस प्रोडक्ट को हमारे सभी कस्टमर्स में टारगेट की तरह यूज़ करना है और इसका रिव्यू अच्छा होना चाहिए और ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो उनके डेली लाइफ में भी वो यूज़ कर सके और हमारे जो न्यू प्रोडक्ट है उसे इकोलॉजी का यूज़ करके बनाया जाएगा, तो इसके बारे में आप लोग सोचिए। तो सब लोग मीटिंग में हाँ हाँ बोलते हैं और तभी ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है। अब जो सीईओ है वो बाहर निकलता है और अपने मैनेजर से कहता है मेरे लिए एक प्लेन का टिकट बुक कराओ, मैं जा रहा हूँ आज रात को ही को देखने के लिए। ही नहा रहा होता है और तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है और सोचता है ही कि इतनी रात को कौन आ रहा है, क्या कोई डायरेक्टर स्क्रिप्ट को डिस्कस करने के लिए आ रहा है क्या। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सीईओ और ही की आंखें मिलती है और सीईओ देखता है और तभी ही पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सीईओ कोई जवाब नहीं देता और ही को अपने गले से लगा लेता है और फिर उनके बीच में क्या होता है ये तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही बताऊँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।